डाक बंगले में फिल्म यूनिट के कुछ लोग आ गए थे और कुछ लोग आ रहे थे मैं अपने कमरे में बैठकर खाना खाने के दौरान उनके मुतालिक मालूम हासिल करने लगा फिल्म की हीरोइन और उसके नाम नेहाद भाई की सोच तक मैं पहले ही पहुंच चुका था अब उनसे जो लोग बातें कर रहे थे उनके जहन को भी मैं पढ़ता जा रहा था इस वक्त डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हीरोइन के साथ बंद कमरे में बैठे हुए थे प्रोड्यूसर उसे कह रहा था यहाँ से पांच मील दूर एक जंगल में हमने शूटिंग के लिए लोकेशन का इंतखब किया है इतनी दूर जाने के लिए हमें सुबह चार बजे ही यहाँ से रवाना होना पड़ेगा अगर तुम सुबह चार बजे उठ सकती हो तो बेहतर है वरना हम अभी खाने के बाद यहाँ से लोकेशन की तरफ रवाना हो जाएंगे हेरोइन ने कहा क्या आप चाहते हैं कि इतनी रात को मैं पांच मील तक पैदल चलती रहूंगी ये मुझसे नहीं होगा प्रोड्यूसर ने उसे समझाया यहाँ से सिर्फ आध मील तक ऐसा रास्ता है कि गाड़ियां नहीं जा सकती इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप तुम्हें लोकेशन तक ले जाएगी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर का एक छोटा सा कॉटेज है तुम वहां सुबह आठ बजे तक सोती रहोगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस वक्त तक हम शूटिंग की तैयारियां करते रहेंगे अगर तुम इस तरह ताउन नहीं करोगी तो हमारी पिक्चर लेट हो जाएगी हेरोइन ने मौके से फायदा उठाते हुए कहा आप लोगों को मुझसे ताउन करना चाहिए अभी मुझे बीस हजार रुपए की जरूरत है आप अभी रकम दे दीजिए मैं खाने के बाद लोकेशन की तरफ जाऊंगी प्रोड्यूसर बेचैनी से अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए सोचने लगा साली वो दिन भूल गई जब छोटा छोटा सा रोल हासिल करने के लिए प्रोड्यूसरों को खुश किया करती थी अब तो इसके नाम से पिक्चर ऊंचे दामों बिकती है अगर मैंने इसे बीस हजार रुपये नहीं दिए तो कल तक ये बीमारी का बहाना करके शूटिंग कैंसिल करा देगी उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा अच्छी बात है मैं अभी बीस हजार का चेक देता हूँ तुम अपने भाई को शहर भेज कर कैश करा लेना यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया डायरेक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहा प्रोड्यूसरों को आप खूब न चाहती हैं मैं कई दिन से एक हजार रुपये मांग रहा हूँ मगर यह नहीं देता ये जानता है कि यह मेरी पहली पिक्चर है मैं अपना नाम पैदा करने के लिए इसके आगे आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहूंगा और यह अपनी पिक्चर मुकम्मल करने के लिए आपके सामने दुम हिलाता फिर रहा है मैं छोटा कुत्ता हूँ वो बड़ा कुत्ता है पता नहीं इंसान जिंदा रहने के लिए और दौलत कमाने के लिए कब तक कुत्तों के नक्शे कदम पर चलता रहेगा बहरहाल इन बातों को छोड़िए मैं आपको कल का सीन समझाने आया हूँ वो उसके सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया हिनोईन ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा वही सीन है ना मैं दुश्मनों से जान बचाने के लिए भागती हूँ जंगल में पहुंच जाती हूँ फिल्म का हीरो जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर है वो मुझे पनाह देता है डायरेक्टर ने कहा नहीं कल की शूटिंग यूं होगी कि आप जंगल में पहुंच भटक रही हैं झाड़ियों के दरमियान से गुजरने के दौरान आपका लिबास तार तार होने लगता है मुख्तलिफ शॉर्ट्स में आपका लिबास जगह जगह से फाड़ा जाएगा हेरोइन ने कहा मेरे बाजू बहुत सडोल हैं बाजू और पुश्त पर से लिबास फाड़ देना काफी होगा डायरेक्टर ने कहा हाँ इब्तदाम यही होगा मगर तमाशा ही आगे भी कुछ देखना चाहते हैं तुम्हारे सीने पर भी लिबास में खराशी आनी चाहिए कि सीना छुपने के बावजूद इधर से उधर झलकता रहे आप सोचिए कि कलर फिल्म में ये सीन कितना ही जान खेज होगा आप जानती है कि फिल्मी अखबार वाले आपको एटम बॉम कहते हैं तमाशाई तो भी आपको इसी अंदाज में देखना चाहते हैं हाँ तो मैं कह रहा था कि जब आप तवील झाड़ियों से निकलकर बाहर आएंगी तो लिबास बिल्कुल तार तार हो चुका होगा यानी लिबास होते हुए भी आप बेलिबास होंगी मैंने इस कदर सोच समझ कर यह सीन लिखवाया कि सेंसर वाले ऐतराज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि लिबास तार तार होने की ठोस वजूहत पेश की गई हैं इसके अलावा आप जंगल में हैं जंगल में आपको दूसरा लिबास नहीं मिल सकता इसलिए इसलिए मैं नंगी रहूंगी आप शायद यही कहना चाहते हैं ना वो बेहयाई से बोली हाँ उसने झिझकते हुए कहा मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके बदन पर लिबास तो नहीं होगा मगर मैं दरख्तों और बड़े बड़े पत्तों की आड़ से ऐसे शॉर्ट लूंगा कि बदन का काबिल एतराज हिस्सा चुप जाए हम सेंसर वालों के एतराज का जवाब दे सकते हैं कि जंगल में दूसरा लिबास नहीं मिल रहा था इसलिए आपको पत्तों में छुपाया गया आखिर आदम और हवा ने भी अपना बदन पत्तों से छुपाया था यह तो एक तारीखी हकीकत है इस हकीकत पर सेंसर की कैंची नहीं चल सकेगी हेरोइन ने कहा मगर शूटिंग के दौरान तुम लोगों की निगाहों की कितनी ही कैंचियां मुझ पर चलती रहेंगी देखो मैं साफ बात कहती हूं अपने प्रोड्यूसर से जाकर कह दो कि कपड़े उतारने के मैं बीस हजार अलग से लूंगी डायरेक्टर ने खुश आमदाना अंदाज में कहा देखिए अगर आपने बीस हजार का मुतालबा किया तो शूटिंग रुक जाएगी शूटिंग क्यों रुकेगी सीन बदल दो मेरे बदन पर लिबास रहने दो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आई थी तो एक पैसा दिए बगैर झूठा वादा करके मेरा लिबास उतार दिया जाता था आज भी मैं इनकी मर्जी से लिबास उतारूंगी मगर सिर्फ एक बेलिबास सीन के बीस हजार लूंगी जाओ अगर प्रोड्यूसर मंजूर ना करे तो सीन बदल देना मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं मैं रोटी खा रहा था और फिल्म इंडस्ट्री के अजूबों को देख रहा था मुझे इस रंगा रंग जिंदगी के बीस हजार की दौलत और लजीज खानों से ज़्यादा सूखी रोटी और बैगन के भुरते में मज़ा आ रहा था पेट भर कर खाने के बाद मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया सर्दी बढ़ती जा रही थी बिस्तर पर दो कंबल रखे हुए थे लेकिन कंबल ओढ़कर लेटने के लिए जूते उतारने जरूरी थे लेकिन मैं इस वक्त तक हर तरह से मुस्ताद रहना चाहता था जब तक कि वो फिल्म वाले वहां से ना टल जाए दो घंटे बाद बाहर से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे वो सब वहां से जा रही हों मैं उन्हें नज़रअंदाज करके बिलमुंडू के जहन में झांकने लगा वो इस वक्त होटल कॉन्टीनेंटल के एक कमरे में बैठकर कर फिस्की से शुगल कर रहा था उसकी भतीजी रोमा उसके पास आ गई थी बीलमुंडू अपने भतीजी को बेटी की तरह दिलोजान से चाहता था मास्टर यूशा उसकी इस कमजोरी को जानता था इसलिए वो उसे धमकी दे चुका था कि अगर उसने किसी बात से ऐतराज़ किया तो उसकी हसीन भतीजी को पागल बना देगा बीलमुंडू इसीलिए रोमा को अपने साथ रखता था कि वो शैतान उससे कोई शैतानी हरकतें ना करे इस वक्त रोमा और बीलमुंडू के दरमियान ऐसी बातें हो रही थी जिनका ताल्लुक मुझसे नहीं था इसलिए मैंने उससे राबता ख़त्म कर दिया डाक बंगले में गहरी खामोशी छाई थी शायद वो सब जा चुके थे मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया बरामदे में पहुंच पता चला कि अभी यूनिट के कुछ लोग बाकी हैं वो सुबह चार बजे जाएंगे हेरोइन और प्रोड्यूसर अपना अपना कमरा लॉक करके लोकेशन की तरफ जा चुके थे सिर्फ एक कमरा रह गया था जिसमें साउंड और लाइट के शोबों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर सोने के लिए अपने अपने बिस्तर बिछा रहे थे वो कमरा उनके लिए काफी नहीं था इसलिए वो आपस में झगड़ा भी कर रहे थे एक बूढ़ा आदमी कंबल बेटे बाहर बरामदे में बैठा हुआ था उसने मुझे देखते ही कहा बेटा क्या तुम इस कमरे में अकेले हो मैंने कहा हां बाबा क्या बात है बेटे मैं सर्दी से ठिठर रहा हूं अगर तुम अपने कमरे में सोने की जगह दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी मुझे उसके बुढ़ापे और उसकी हालत पर बड़ा तरस आया मुझे कोई एतराज नहीं है बाबा अपना सामान ले आओ वो मुझे दुआएं देता अपनी अटैची और अपना बिस्तर उठाने लगा मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से बिस्तर लिया तो उसके दिल से और दुआएं निकलने लगी मैंने उसके साथ कमरे में दाखिल होते हुए पूछा बाबा तुम क्या काम करते हो मैं मेकअप मैन हूं फिर तो बड़ी आमदनी होगी बेटा यही सोचकर मैं तीस बरस पहले इंडस्ट्री में आया था मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि मेकअप मैन और लाइट मैन सब चिराग के तेल की तरह जलती हैं इंडस्ट्री को रोशन करते हैं और ख़ुद मुफलिसी में जल जल ख़त्म हो जाती हैं मैं बहुत तजुर्बेकार मेकअप मैन हूँ मुझे एक फ़िल्म के पाँच हज़ार मिलते हैं लेकिन ये रुपए कभी यकमुश्त नहीं मिलते महीनों और सालों तक प्रोड्यूसर के पीछे हाथ फैलाते फैलाते हम कभी सौ और कभी पचास ले लेकर अपनी रकम वसूल करते हैं फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो हमारे पैसे भी डूब जाती हैं इस हुनर के सिवा कोई दूसरा हुनर नहीं आता इसलिए किसी न किसी तरह ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ वह फर्श पर अपना बिस्तर बिछाने लगा मैंने कहा बाबा तुम पलंग पर आ जाओ मैं जवान आदमी हूँ मैं नीचे सो जाऊंगा मुझे सर्दी नहीं लगेगी नहीं बेटा मुझे तो सिर्फ तीन बजे तक रात गुजारनी है तीन बजे के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे तीन बजने में अभी बहुत देर है आप यहाँ मेरे बिस्तर पर आराम करें मैंने जबरन बूढ़े मेकअप मैन का हाथ पकड़कर उठाया और उसे अपने बिस्तर पर पहुंचा दिया जहां नेकी करने और किसी के काम आने का मौका मिले तो जरूर ऐसा करना चाहिए क्योंकि फाजिल वक्त में किसी से नेकी करने में हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होता बाबा बिस्तर पर बैठ कर अपनी अटैची खोलने लगा उसकी अटैची में, में मेकअप का बहुत सा सामान था फेस पाउडर लिपस्टिक काजल मस्कारा आई शेडो मसनू पलके और दाढ़ी मूछों के बाल कितनी ऐसी चीजें थी जिन्हें वो अटैची से निकाल कर देख रहा था और बालों को ब्रश के जरिए सुलझाकर उन्हें दोबारा अटैची में रख रहा था अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं मेकअप के जरिए अपना हुलिया बदल सकता हूँ इस बूढ़े को तीस बरस का तजुर्बा है ये चाहे तो मुझे मेकअप का बेहतरीन तरीका सिखा सकता है मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और बड़ी दिलचस्पी से मेकअप का एक एक सामान उठाकर उनके मुतल उससे पूछने लगा वो मेरे लिए बड़ी तफसील से मालूम फराम कर रहा था मैंने उससे पूछा बाबा क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखा सकते हो मैं तुम्हें इस काम का वह मांगा मुआवजा दूंगा मैं प्रोड्यूसर्स की तरह पैसों के लिए तुम्हें नहीं दौड़ाऊंगा बल्कि इसी वक्त तुम्हारा मुआवजा अदा कर दूंगा उसने कहा बेटे तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें मुफ्त में मेकअप करना सिखा सकता हूँ मगर ज़रूरत इंसान को किसी कदर खुद गर्ज बना देती है मेरी घर वाली बहुत बीमार है मैं उसे बीमारी की हालत में छोड़कर नहीं आना चाहता था प्रोड्यूसर ने मुझे सौ रुपये देकर वादा किया था कि शूटिंग के दौरान और देगा मगर अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया मैं दो की उम्मीद में काम किए जा रहा हूँ बेटा मैं लालची नहीं हूँ मगर तुमसे कम अज़ कम सौ रुपये मांगने पर मजबूर हूँ मैंने जेब से सौ सौ के नोटों की एक गड्डी निकाल कर कहा तुमने मेरी तवक्को से बहुत कम मांगा है मैं नहीं जानता कि इस गड्डी में कितने रुपए हैं ये जितने भी हैं तुम्हारे हैं इसे रख लो बूढ़े का मुँह हैरत से खुल गया वो कभी मुझे और कभी नोटों की गड्डी को बेयकीनी से देखने लगा मैंने उसका हाथ पकड़कर नोटों की गड्डी उसकी हथेली पर रख दी उसके बूढ़े हाथ कांपने लगे ऐसी बात नहीं थी कि उसने इतने रुपये कभी ज़िंदगी में देखे ना हो लेकिन वह रुपये उसके दुखों का इलाज बनकर उसकी हथेली पर आए थे इसलिए वो खुशी से कांप रहा था उसने एहसान मंदी से मेरे हाथ को थाम कर चूम लिया और उस पर अपनी बूढ़ी भीगी हुई आंखें रख दी फिर उसने कहा मैं तुम्हें मेकअप के जरिए चेहरा बदलने का ऐसा हुनर सिखाऊंगा कि तुम खुद अपने बदले हुए चेहरों को देखकर हैरान रह जाओगे मेरे पास चेहरा बदलने का एक मास्क है ऐसे मास्क बाहर के मुल्कों से आते हैं हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से दस्तियाब होते हैं तुम दौलतमंद हो ऐसे कितने ही मुख्तफ किस्म के मास्क बाहर से मंगवा सकते हो वो अटैची से एक मास्क निकाल कर मुझे दिखाने लगा फिर इसने बताया कि यह मास्क किस तरह चेहरे पर चढ़ाया जा सकता है और अपनी जल्द की रंगत के मुताबिक इस मास्क पर मेकअप किया जा सकता है वो इस मास्क को मेरे चेहरे पर चढ़ाकर अमली तौर पर वो हुनर सिखा रहा था मैं एक हाथ से आईने को थाम कर उसमें अपने चेहरे को देखता जा रहा था मेरा चेहरा बदल रहा था इस चेहरे के पीछे फरहाद अली का चेहरा छुप गया मैं सिर्फ अपनी आंखों से खुद को पहचान रहा था मैंने पूछा बाबा क्या ऐसा मेकअप नहीं होता कि आंखें भी बदल जाएं मेरी बात सुनकर उसने एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा निकाला जिस पर मखमल का कपड़ा चढ़ा था इस डबे में आई लेंस रखे हुए थे बूढ़े ने का आई लेंस उठा कहा अपनी एक आंख खुली रखने की कोशिश करो तुम्हें तकलीफ तो होगी मगर थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी मैंने इसकी हदायत के मुताबिक आंखें खुली रखने की कोशिश की वो ऐनक लगाए मेरी बाएं आंख में उस लेंस को जमाने की कोशिश कर रहा था मुझे वाकई तकलीफ हो रही थी आंखों से पानी बह रहा था मगर कुछ सीखने के लिए और किसी काबिल बनने के लिए तकलीफें बर्दाश्त करना ही पड़ती हैं जब मेरी दोनों आंखों में दो आईलैंड अच्छी तरह बिठा दिए गए तो मैंने आईने में अपनी सूरत देखी मैंने अपने सामने एक अजनबी को देखा मैं खुद को पहचान ना सका मैंने बाबा का हाथ थाम कर कहा बाबा वाकई तुमने कमाल कर दिया ये आईलैंड मुझे दे दो बोलो इसकी क्या कीमत है बूढ़े ने कहा तुमने तो मुझे इतने रुपए दिए हैं जो इस आईलैंड की कीमत से भी ज्यादा हैं अगर मैं इसे देखकर तुम्हारे एहसान का कुछ बदला चुका सकता हूं तो इसे रख लो मैं उसकी बातें सुनता हुआ बार बार खुद को आईने में देख रहा था और अपने आप को पहचानने की नाकाम कोशिश कर रहा था बूढ़े ने इस तरीके से मेकअप किया था कि चेहरे के किसी हिस्से से बनावट का शुबा नहीं होता था बूढ़ा इस वक्त आई के मतलब सोच रहा था उसकी सोच से पता चला कि वो तमाम आई इसकी मलकियत नहीं है वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने बाहर से मंगवाए थे और शूटिंग के दौरान मेकअप मैन को अमानत के तौर पर रखने को दिए थे वो आई के एक जोड़ा मुझे देखकर अमानत में ख़्यात कर रहा था और ये सोचकर अपने दिल को तसली दे रहा था कि यह शख्स मेरे आड़े वक्त में काम आ रहा है इसने बिन मांगे मुझे इतनी बड़ी रकम दी है कि प्रोड्यूसर कभी नशे की हालत में भी नहीं दे सकता इस आई की कीमत तकरीबन ढाई हजार रुपये होगी या फिर प्रोड्यूसर ने बढ़ा चढ़ा कर इसकी कीमत बताई होगी ताकि मैं बड़ी एहतियात से इनकी हिफाजत करता रहूँ बाहर हाल जितनी भी कीमत हो मैं कह दूंगा कि आई का एक जोड़ा मुझसे गुम हो गया है वो मेरे मुआदे की रकम में से पैसे काट ले वो बूढ़ा मेकअप मैन मेरे लिए अमानत में ख्यानत कर रहा था और ख्यानत की सजा भुगतने के लिए अपने ढाई हजार रुपए का नुकसान करने के लिए तैयार था मेरी दी हुई रकम इतनी नहीं थी कि वो अपना नुकसान पूरा कर सकता और मैं उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था मैं वहां से उठकर मेज की तरफ गया वहां मेरी अटैची रखी हुई थी मैंने उसे खोलकर कपड़ों के नीचे से नोटों की गड्ढिया निकाली मैंने उसे कहा बाबा मैंने सुना है कि आईलेंस बहुत कीमती होती हैं इतनी कीमती चीजें तुम्हारी अपनी नहीं हो सकती मुझे सच सच बता दो कि ये आईलेंस किसकी हैं और इनकी कीमत क्या हो सकती है बूढ़ा पहले तो सच बोलने से हिचकिचाता रहा फिर उसने सब कुछ उगल दिया मैंने उसे मजीद दो हजार रुपए देते हुए कहा यह रुपये रख लो प्रोड्यूसर को तुम्हारे मुआदे से लेंस की कीमत काट लेने दो यह समझ लो कि मुआदे की रकम तुम्हें इसी वक्त मेरे हाथों से मिल गई बूढ़ा वो रुपये लेकर ऐसी अकीदत और एहसानबंदी से मुझे देखने लगा जैसे उसके नुकसान को समझने और उनकी तलाफी करने वाला कोई फरिश्ता उसके सामने खड़ा हो मैं फरिश्ता नहीं था इसी दुनिया का इंसान था और इंसान अपने बड़े बड़े फायदे के लिए छोटी छोटी बेईमानियाँ जरूर करता है मुझे फेस मास्क और आई लेंस से बहुत बड़ा फायदा था लिहाजा ये चीज़ें हासिल करने के लिए इस बूढ़े को अमानत में ख्यानत करने का इनाम दे रहा था क्या किया जाए बिल मुंडू से टकराने के लिए मैं ऐसा करने पर मजबूर था मैंने फिर आईने में अपनी बदली हुई सूरत को देखते हुए सोचा वो जिन आदमियों को मेरी शनाख्त के लिए साथ लिए घूम रहा था वो मुझे नहीं पहचान सकते मेरी आंखों पर आई लेंस का पर्दा पड़ गया था बिलमुंड हजार बार मेरी आंखों में देखता इसके बावजूद मास्टर यूशे इसके जरिए मेरी आंखों तक और फिर मेरे जहन तक पहुंचने में नाकाम रहता अब वो सिर्फ मेरी गुफ्तु के सहारे मुझ तक पहुंच सकता था मैं ये तमाम बातें सोच रहा था और दिल ही दिल में आइंदा के लिए प्रोग्राम मुरतब कर रहा था इस दौरान बूढ़ा मेकअप मैन मुझे आई को इस्तेमाल करने का अमली तरीका सिखा रहा था ये अमल घंटे आध घंटे के वक्फे से होता रहा ताकि इस वक्फे से मेरी आंखों को भी आराम पहुंचता रहे हम दोनों तीन बजे रात तक नहीं सो सके जाने से पहले उसने कहा मेरा बस चले तो मैं अपने बुढ़ापे की तमाम रातें जाग जाग कर तुम्हारे काम आता रहू अगर मुझे दिन के वक्त सोने का मौका मिल गया तो कल रात मैं तुम्हें और बहुत कुछ सिखाऊंगा ये कहकर वो चला गया मैंने उसे कह दिया था कि जब भी वो यहाँ आएगा उसे बूढ़े चौकीदार से इस कमरे की चाबी मिल जाएगी उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया फिर जूते उतारे लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर आकर कंबल में दुबक गया थोड़ी देर तक मेरे कमरे के बाहर लोगों की आमदरफ्त रही फिर वो लोकेशन की तरफ रवाना हो गए उनके जाते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया रात बड़ी खामोश और पुरेसरार थी न जाने रात की तारीखी में कितने असरार छुपे होती हैं ऐसी बातें सोचते हुए मुझे शादा याद आ गई मैंने उसकी जागती हुई अदाओं को देखा मेरे दिल ने पूछा सोते में उसकी सोच की अदाएं क्या होंगी क्या मैं उसके सपनों की राह गुजर का मुसाफिर हूं दिन के एक बजे बूढ़े चौकीदार ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी आंख खुल गई मैं नोट कर दरवाज़ा खोला उसके हाथ में रोटियों का छापा था वो कमरे में आते हुए बोला शादा कह रही थी कि तुम्हें हमारे यहाँ की सूखी रोटियाँ पसंद आई हैं वो पगली है तुमसे सूखी रोटियों के बदले बीस रुपए लेना चाहती है मैंने कहा यह कीमत सूखी रोटियों की नहीं है मैं जानता हूँ कि इसके बदले मुझे कितनी खुशियाँ मिल रही हैं अगर हम एक दूसरे की ज़रूरत को समझ कर कीमत अदा किया करें तो फिर ज़रूरतें हमें कभी परेशान नहीं किया करेंगी वो मेरी सखावत देखकर मुझे दुआएं देने लगा मैंने गुसल वगैरह से फारिग होकर खाना खाने के बाद अटैची संभाली फिर कमरे को लॉक करने के बाद बूढ़े चौकीदार को उसकी चाबी देते हुए कहा मैं रात को किसी वक्त आऊंगा फिल्म यूनिट का एक बूढ़ा मेकअप मैन तुमसे से यह चाबी मांगे तो उसे दे देना और किसी को इस कमरे में रहने की इजाज़त ना देना फिर मैंने जेब से साठ रुपए निकालकर शादंग के लिए दिए यह तीन वक्त के खाने की कीमत थी मगर मैं समझता था कि जो कुछ उसने मुझे खिलाया इस लिहाज से मुआवजा कम है इसके बाद मैं चौकीदार से रुखसत होकर दूर पहाड़ियों की तरफ निकल गया बहुत दूर चलते रहने के बाद मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां बिल्कुल तन्हाई थी दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था एक तरफ पहाड़ की बुलंदी थी और दूसरी तरफ घने दरख्तों के झुंड मैं दरख्तों के साय में पहुंच कर बैठ गया वहां अपनी अटैची खोलकर मेकअप का सामान निकाला फिर आईने को सामने रखकर अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाने लगा मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि एक बार कोई सबक सीखने के बाद उसे कभी नहीं भूलता और बूढ़े मेकअप मैन ने तो रात के तीन बजे तक बार बार मास्क और आई लेंस को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया था एक घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मैंने बड़ी कामयाबी से अपनी आंखों और अपने चेहरे को बदल लिया फिर मैंने अटैची से एक बेहतरीन सूट निकाल कर पहना अपने जूतों को अच्छी तरह साफ़ किया और अटैची उठाकर चल पड़ा यह तो मैं समझता ही था कि बील मंडू और उसके आदमी मेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे होंगे अब मैं अपनी बदरवी शख्सियत के साथ उनकी तलाश का सिलसिला ख़त्म करने जा रहा था मास्टर यूशे किसी मुकाम पर मुझसे टकरा सकता था मगर मैंने फैसला कर लिया कि अपनी ज़ुबान नहीं खोलूंगा गूंगा बनकर रहूंगा बहुत देर तक पहाड़ियां चढ़ते रहने के बाद मैं मरी से पिंडी जाने वाली सड़क पर पहुंच गया और किसी टैक्सी के इंतजार में आगे बढ़ने लगा कोई टैक्सी तो नहीं मिली एक बस गुजर रही थी उस पर बैठकर मैं इस्लामाबाद पहुंच गया वहां पर मैं एक होटल में चाय पीने के लिए चला गया चाय का ऑर्डर देने के बाद मैं सोचने लगा कि अब दुश्मनों को किस तरह छिड़ा जाए इस मकसद के लिए मैं बील मुंडू के दिमाग में झांकने लगा ताकि कोई तदबीर समझ में आए उस वक्त शाम के चार बजे थे बील मुंडू अपनी भतीजी रोमा का इंतजार कर रहा था जो मरी की सैर के लिए गई थी तब मुझे याद आया कि वो खतरनाक इंसान अपनी भतीजी को कितना चाहता है चाय की प्याली मेरे सामने रखी हुई थी मैं गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए रोमा के जहन में झांकने लगा इस वक्त वो एक कार की पिछली सीट पर बैठी हुई मरी से पिंडी की तरफ आ रही थी कार की अगली सीट पर उसके दो बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे रोमा की सोच यह सब कुछ बता रही थी उसका एक बॉडी गार्ड कार ड्राइव कर रहा था मैं रोमा की सोच के जरिए बॉडी गार्ड की सोच तक पहुंचना चाह रहा था पहले मैंने ये इतमान कर लिया कि मास्टर यूशे रोमा के जहन में नहीं झांक रहा है इसके बाद मैंने उसकी सोच में कहा पता नहीं मैं पिंडी कब पहुंचूंगी अंकल इंतजार कर रहे होंगे रोमा ने यही बात ड्राइवर से कही उसके बॉडी ने जवाब दिया कि वो पाँच बजे तक पहुँच जाएगी बॉडी की ज़ुबान खुलते ही मैं उसके दिमाग तक पहुँच गया इस वक्त वो कार ड्राइव करता हुआ सामने से गुजरने वाले मनाजिर को देख रहा था और इन मनाजिर के हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रहा था कितनी खूबसूरत जगह है वो सोच रहा था पहाड़ हैं रुई के गालों की तरह उड़ते हुए बादल हैं जो सरसब्ज वादियों में उतर रहे हैं खुशबू बिखेरते फूल हैं यहां के हरे भरे माहौल को देखकर यूं लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो ऐसी जगह बैठकर विस्की पीने में बड़ा लुत्फ आएगा सिर्फ विस्की से क्या होता है सिर्फ शराब हो शबाब ना हो तो ज़मीन की जन्नत मुकम्मल नहीं होती शराब तो दूर की चीज़ है हम तो उस वक्त तक शराब को भी हाथ नहीं लगा सकते जब तक रोमा के बॉडी गार्ड बने रहते हैं बॉस को अगर पता चल जाए कि हम नशे की हालत में उसकी भतीजी की हिफाजत कर रहे हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा मैंने उसकी सोच में कहा वैसी भी क्या भूस दिली कि बॉस की अदम मौजूदगी में भी हम उसके खौफ से कांपते रहे क्या मुझ में दिलेरी और मर्दानगी नहीं है वो परेशान होकर सोचने लगा अरे अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ मैं और बॉस के मुकाबले में दिलेरी दिखाऊं हम में से कोई हजारों मील दूर जाकर भी इतने खतरनाक आदमी को चैलेंज नहीं कर सकता उसका नाम बील मुंडू है उसके कराटे का एक हाथ पड़ता है तो मज़बूत दीवारें भी तिड़क जाती हैं मैं बहुत देर तक इस बॉडी के जहन को कुरीदता रहा मगर पता चला कि वो सब बिल मुंडू से बहुत ज्यादा खौफजदा रहती हैं मैं किसी तरह भी इस कार ड्राइव करने वाले बॉडी को अपना आला नहीं बना सकता था मैं इससे मायूस होकर फिर रोमा के जहन में झांकने लगा इस वक्त रोमा कार के सामने लगे हुए अकबनुमा आईने में देख रही थी आईने में उसे दूसरा बॉडी नजर आ रहा था वो बॉडी भी आईने में रोमा को देख रहा था जब बराबर उनकी निगाहें लड़ती नहीं तो ये बात मेरी समझ में आ गई कि रोमा इस नौजवान बॉडी से मुतासर है वो कभी कभी कार ड्राइव करने वाली बॉडी को यूँ देखती जैसे उनके दरम्यान दीवार बना बैठा हो मैंने रोमा की सोच में कहा क्या मैं इस दीवार को थोड़ी देर के लिए हटा नहीं सकती उसकी सोच ने कहा हाँ मैं वसीम को दूर ही दूर से देखती हूँ उससे बात करने को जी चाहता है मगर अंकल कहते हैं कि मुलाजमों से गैर जरूरी बातें नहीं करनी चाहिए फिर मैं बात किससे करूंगी अंकल की नज़रों में तो सभी हकीर होती हैं मैं ऐसी पाबंदी में रहकर बेजार हो गई हूँ मेरा जी चाहता है कि किसी से खुलकर बातें करूं और किसी के हाथों में हाथ देकर दूर सब्जा जारों में दौड़ती फिरूं। मैंने उसकी सोच में कहा यहाँ आसपास कितने खूबसूरत मनाजिर हैं सपनों में ऐसे ही मनाजिर दिखाई देते हैं ऐसी ही जगह कोई शहजादा आता है और बड़ी मोहब्बत से मेरे इस हाथ को थाम लेता है जिसे थामने का तस्वुर कोई नौजवान नहीं कर सकता इससे पहले ही वो अंकल के खौफ से थर थर काँपने लगता है मुझे यूं लगता है वसीम मेरे ख्वाबों का शहजादा है मुझे ड्राइवर से कहना चाहिए कि गाड़ी यहाँ रोक दे मैं वसीम के साथ ज़रा दूर तक हरियाली में पैदल चलूंगी आखिर ये मेरा ड्राइवर है मेरा बॉडी गार्ड है मेरा मुलाजिम है मेरी बात क्यों नहीं मानेगा मेरे इश्तियाल दिलाते ही रोमा ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकते हुए पूछा क्या बात है बेबी रोमा ने जवाब दिया मुझे यह मंजर बहुत अच्छा लग रहा है मैं ज़रा नीचे ढलान में उतर कर जाऊंगी वसीम मेरे साथ आओ यह कहते ही वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई ड्राइवर ने भी कार से बाहर निकलते हुए कहा बेबी हमें देर हो रही है बॉस ने मुझसे कहा था कि मैं पांच बजे से पहले तुम्हें तो वापस ले आऊं मैं अंकल से कह दूंगी कि तुम मेरी वजह से वक्त पर नहीं पहुंच सके वसीम मेरा हाथ पकड़ो मुझे नीचे उतरते हुए डर लगता है रोमा ने अपना हाथ वसीम की तरफ बढ़ा दिया वसीम ने झिझकते हुए दूसरे बॉडी की जानब देखा बॉडी उसे घूर कर देख रहा था खामोश निगाहों से उसे समझा रहा था कि उसे बॉस की लाडली भतीजी के इतने करीब नहीं जाना चाहिए दूसरी तरफ रोमा के बढ़ते हुए हाथ को कबूल ना करने से भी उस पर मुसीबत आ जाती वो अपनी तोहिन बर्दाश्त ना कर सकती अगर वो यहाँ से उदास होकर जाती तो बिल मुंडूस की मुर्मत कर देता उसके लिए दोनों ही तरफ़ से मुसीबत थी लेकिन रोमा की तरफ से जो मुसीबत थी उसमें जज्बाती दिलचस्पियाँ थी इसलिए वो रोमा का हाथ थामकर आहिस्ता आहिस्ता नशेब में जाने लगा मैंने चाय की प्याली खाली की उसके पैसे अदा किए फिर तेज़ी से चलता हुआ होटल से बाहर आया वो तीनों जिस मुकाम पर थे मैं वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहता था करीब ही पेट्रोल पंप पर एक कार खड़ी हुई थी कार का मालिक पेट्रोल के पैसे अदा कर रहा था मैंने उसके ख्याल से पता चलाया कि वो मरी की तरफ जा रहा है यह मालूम करने के बाद मैंने उससे लिफ्ट मांगी पहले तो उसने लिफ्ट देने से इनकार किया लेकिन वो मेरी सलाहितों के सामने अपने इन कार पर कायम न रह सका मैंने सोच के जरिए उसे कायल कर दिया कि मुझे लिफ्ट मिलनी चाहिए मैं उसकी कार में बैठकर मरी की उसी सड़क पर वापस जाने लगा जहां उन तीनों से मुलाकात हो सकती थी रास्ते में मैं फिर दिमाग की स्क्रीन पर उन्हें देख रहा था रोमा वसीम के हाथ में अपना हाथ देते हुए बहुत दूर नशेब में उतरती चली जा रही थी बॉडी ड्राइवर उनसे कुछ पीछे फासले से आ रहा था रोमा ने पलट कहा तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो जाओ वहाँ कार के पास हमारा इंतजार करो हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे सॉरी बेबी मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकता वो चिल्लाकर बोली मैं तनहा नहीं हूँ वसीम मेरे साथ है क्या ये मेरा बॉडीगार्ड नहीं ये बॉडीगार्ड है मगर बॉस की नज़रों में मैं सबसे ज्यादा काबिल तमाद हूँ वसीम ने कहा टोनी क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं काबिल तमाद नहीं हूँ क्या मैं बेबी को यहां से भगा कर ले जाऊंगा टोनी ने हकारत से कहा बेबी को भगा कर ले जाने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है अगर आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैंने वसीम की सोच में कहा मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं और टोनी बॉस का हम वतन है ये मुतसब लोग मुझे सिर्फ एक मामूली मुलाजिम और एक कमज़ोर इंसान समझते हैं ये मेरा मुंह तोड़ना चाहते हैं मैं चाहूं तो इसका सर तोड़ सकता हूं मगर इस तरह काम बिगड़ जाएगा भील मुंडू मेरा दुश्मन बन जाएगा और रोमा भी मुझसे दूर हो जाएगी रोमा ने बिगड़कर टोनी से कहा टोनी मैं वसीम पर भरोसा कर रही हूँ तुम तो ऐतराज़ करने वाले कौन होते हो टोनी ने कहा मैं अपना फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ तुम नहीं जानती बेबी हम इस मुल्क के बदमाशों को मुलाजिम तो रख लेते हैं मगर उन पर अंधा अतमाद नहीं करते हम उन्हें सिर्फ दो महिलाने वाले कुत्ते समझते हैं उसकी बात पूरी होती ही वसीम ने एक घुनसा उसके मुंह पर जड़ दिया इस मुल्क के बदमाश कुत्ते हैं या शेर ये मैं अभी तुम्हें बतलाता हूँ ये कहते उसने टोनी पर छलांग लगा दी उसकी सोच से पता चला कि टोनी का एक हाथ पड़ते ही उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे उसी वक्त हमारी कार उस मुकाम से गुजरने लगी जहां सड़क के किनारे रोमा की कार खड़ी हुई थी जरा आगे बढ़कर मैंने लिफ्ट देने वाले का शुक्रिया अदा किया और कार से उतर गया रोमा की कार के करीब आकर मैंने दूर न शेब की तरफ देखा घने दरख्तों की वजह से वो नजर नहीं आ रहे थे मगर मुझे मालूम था कि वो इसी तरफ कहीं है मैं भी इसी तरफ चल पड़ा वो मुझसे बहुत दूर थे नज़र भी नहीं आ रहे थे मैंने शेब में उतरते वक्त कभी कभी दिमाग की स्क्रीन पर उन्हें लड़ते देख लेता टोनी वाकई बिल मुंडू का दस्तराज था और लड़ने के फ़न से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ था मुझे अफसोस था कि मैं वक्त पर वसीम की मदद को ना पहुंच सका इससे पहले ही टोनी ने लड़ने के दौरान उसकी गर्दन तोड़ दी रोमा की अजीब हालत थी उसे वसीम की मौत का अफसोस भी हो रहा था और वह मुतमईन भी नजर आ रही थी इस लड़की की परवरिश खतरनाक और नाकबिल शिकस्त फाइटरों के दरमियान हुई थी वह शिकस्त खाकर मरने वाले महबूब का मातम नहीं कर सकती थी टोनी ने वसीम को जिंदगी से नॉकआउट करने के बाद रोमा से कहा बेबी मैं तुम्हारा अदना ख़ादिम हूं तुम्हारे पांव बहुत नाजुक हैं तुम्हारे रास्ते से कांटों को साफ करना मेरा फर्ज है मैंने यह फ़र्ज़ अदा कर दिया है क्या आप एक बुजदिल की मौत पर अफसोस करेंगी वह जवाब देने के बजाय खामोशी से मुड़कर चलने लगी लेकिन चंद कदम चलने के बाद ये टिठक कर खड़ी हो गई उसकी सोच बता रही थी कि उसके सामने एक कद्दे आवर लहीम शहीम आदमी खड़ा है और वह शोला बार निगाहों से टोनी को घूर रहा है मैं फौरन ही टोनी के जहन में झांकने लगा ताकि उसके जरिए उस अजनबी को समझ सकूं उस वक्त वो अजनबी इशारों की जुबान में टोनी से पूछ रहा था कि तुमने इस आदमी की गर्दन क्यों तोड़ दी है उसे इशारों से बात करते देख कर टोनी चौंक गया उसके दिमाग ने कहा यह तो गूंगा मालूम होता है कहीं यह फरहा तो नहीं है जिसे बॉस तलाश कर रहा है मुझे इससे बातें करके असलियत मालूम करनी चाहिए टोनी ने यह सोचकर उस अजनबी से पूछा तुम कौन हो और हमारे मामलात में दखल क्यों दे रहे हो वो देव है कल अजनबी उसे सवालिया नजरों से यूं देखने लगा जैसे उसकी समझ में बात न आई हो फिर उसने इशारे से बताया कि वो गूंगा और बहरा है उसका इशारा समझते ही टोनी के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई उसने तंजिया अंदाज में कहा बेटे फरहाद तुम गूंगे नहीं हो मगर गूंगे बन रहे हो बॉस को तुम्हारी तलाश है तुम सीधी तरह मेरे साथ चलो वरना मैं ठोकरे मारता हुआ तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा मैं अपने बॉस का मुलाजिम भी हूं और मार्शल आर्ट में उसका शागिर्द भी ये देखो उसने अपनी जैकेट उठाकर अपनी कमर से बंधा हुआ बेल्ट दिखाया उसकी कमर से येलो बेल्ट बंधा हुआ था मैं दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ता हुआ उस अजनबी के मुतलिक सोच रहा था कि वो कौन है और कहाँ से अटपका टोनी उसकी आंखों में कई बार देख चुका था और मैं उसके जरिए उस गंगे की गूंगी सोच तक पहुंच सकता था लेकिन मुझे उसके मुतिक मालूम हासिल करने का मौका नहीं मिला क्योंकि येलो बेल्ट देखने के बाद उस गूंगे की सोच ने कहा कि यह शख्स मार्शल आर्ट में हासिल किया हुआ बेल्ट दिखाकर मुझे चैलेंज कर रहा है मुझे इस चैलेंज का जवाब देना चाहिए यह सोचते उसने घूमकर टोनी को एक डोंकी किक लगाई टोनी के जबड़े हिलकर रह गई वो लड़ खड़ा कर पीछे गया फिर संभल कर हमला करने के लिए आगे बढ़ा वो पैंतरे बदलकर कराटे के हाथ जमाना चाहता था गंगा इतमान से खड़ा हुआ सिर्फ आंखें घुमाकर उसे यूं देख रहा था जैसे कोई बच्चा उसे मारने की धमकी दे रहा हो टोनी ने आगे बढ़कर कराटे के दो चार जबरदस्त हाथ जमाए गूंगा जू का तू खड़ा रहा उसे यूं इतमान से मार खाते देखकर मुझे शीतल याद आ गया वो भी ऐसा ही नाकाबले शिक्ष पहाड़ था मगर नहीं शीतल की सोच का लहजा कुछ और था वो गूंगा कोई दूसरा ही शख्स था यह सोचने के दौरान मैं दरख्तों के झुंड में पहुंच गया वो लोग मुझे नजर आ रहे थे मैंने एक दरख्त के पीछे से देखा तो वहां टोनी के मुकाबले पर वाकई शीतल नजर आ रहा था मैं हैरानी से सोचने लगा कि मैं सोच के जरिए आखिर शीतल को समझ क्यों नहीं सका अब से पहले कई बार मैं सोच के जरिए उसे गुफ्तगु कर चुका था इस वक्त वो बड़े इतमान से एक जगह खड़ा हुआ टोनी को हमला करने का मौका दे रहा था अगर मैं उसकी सोच पर दस्तक देता तो लड़ने के दौरान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता लिहाजा मैंने सोच के जरिए मखसूस लहजे में उसे मुखातिब किया सोचकर आप तक कायम होते ही वो गूंगा चौंक गया मगर शीतल की तरह उस मखसूस लहजे को समझ ना सका मेरी सोच के जरिए मुदाखलत करने के बायस वो गड़बड़ा गया जब टोनी उस पर हमला करने के लिए फिर आगे बढ़ा तो उसने उसका हाथ पकड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाई और एक झटके से उसकी चारों उंगलियां तोड़ दी टोनी की हलक से एक भयानक चीख निकली और वो अपना हाथ थामकर जमीन पर गिर पड़ा उसके गिरते ही गूंगे ने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी वो ठोकर ऐसी थी कि टोनी को तड़पने की मोहलत भी ना मिली वो एकदम से ठंडा पड़ गया रोमा अपने दोनों बॉडी से महरूम होकर घबरा रही थी और सहमी हुई नजरों से गूंगे को देख रही थी उसके हसीन चेहरे से परेशानी मुतरशा थी वो गूंगा रोमा को इशारों से समझा रहा था मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम यहां से चली जाओ अब तुम्हारा यह आदमी कभी जमीन पर से उठ नहीं सकेगा रोमा पहले तो जरा झिझकती रही वो अभी यही समझ रही थी कि इस गूंगे के पीछे फरहाद छुपा हुआ है वो अपने दुश्मन की भतीजी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा गूंगे ने फिर हाथ के इशारे से कहा जाओ भाग जाओ यहां से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा वो तेजी से पलट कर जाने लगी उसी वक्त मैं दरख्त के पीछे से निकल आया मुझे देखते ही वो ठिठक गई गूंगा मेरी तरफ बढ़ने लगा मैंने उसकी सोच में कहा ये अजनबी जिसका चेहरा बदला हुआ है ये मेरा बॉस फरहाद अली है गूंगा आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया और हैरानी से सोचने लगा कौन फरहाद अली मैंने तो आज तक ये नाम नहीं सुना मेरा बॉस तो ब्लैक गाइड है मैं ब्लैक गाइड और अपने भाई शीतल को तलाश करने इस मुल्क में आया हूँ उसकी सोच पढ़ते ही मुझे याद आ गया कि मेरे सामने जो गूंगा खड़ा है वो शीतल का जुड़वा भाई शीतल है जो सामी को हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले गया था चीतल ने आगे बढ़कर तहक कमाना इशारे में कहा इस लड़की का रास्ता ना रोको इसे जाने दो मैंने भी इशारे में जवाब दिया कि मुझे इस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं ये यहाँ से जा सकती है मगर रोमा आगे बढ़ने की बजाय मुझे देखती रही वह सोच रही थी क्या इस मुल्क में गूंगों की आबादी ज़्यादा है ये आने वाला अजनबी भी गूंगे इशारों में बात कर रहा है यही फरहाद तो नहीं है यह सोचकर उसने मुझसे सवाल किया तुम कौन हो मैंने चीतल को मुखातिब करते हुए इशारा किया इस लड़की से कहो ये मुझसे बातें ना करे चुपचाप यहां से चली जाए चीतल ने इशारे से मुझे समझाया ये औरत है हर औरत की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है अगर ये कुछ पूछती है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए रोमा उसके इशारे को समझ रही थी और सोच रही थी अगर ये आने वाला दूसरा गूंगा फरहाद है तो मुझे पहले गूंगे को अपनी तरफ माइल करना चाहिए मैं इसके ज़रिए फरहाद को पकड़कर अंकल के पास ले जाऊंगी अंकल की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी मैं चीतल से कुछ कहना ही चाहता था इससे पहले ही रोमा ने उसे इशारों में समझाया ये जो अटैची पकड़े यहां आया है यह गूंगा नहीं है यह मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आया है अगर तुम इसे पकड़कर मेरे साथ ले चलोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी चीतल ने इशारे से जवाब दिया मैं इसे पकड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता अलबत्ता मैं इसे यहां रोक लूंगा यह तुम्हारा पीछा नहीं करेगा तुम यहां से चली जाओ रोमा मायूस होकर जाने लगी मैं चीतल को इशारों में समझाने लगा कि वो लड़की झूठ बोल रही है मैं उसका दुश्मन नहीं चीतल ने मुझसे सवाल किया अगर तुम इसके दुश्मन नहीं हो तो इस जंगल में क्या करने आए हो मैंने जवाब दिया तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि मैं तुम्हारी एक हम शक्ल से मिलने जा रहा हूँ वह लड़की इन दो नौजवानों के साथ इस जंगल में आ रही थी तो मुझे इन पर शुभ हुआ मैं ये देखने यहां चलाया कि ये लोग यहाँ क्या, क्या करने आए हैं चीतल यह सुनकर चौंक गया कि मैं उसके एक हम शक्ल से मिलने जा रहा हूँ उसने आगे बढ़कर पूछा क्या वाकई वो बिल्कुल मेरी तरह है मैंने उसके कद्दो कामत की तरफ इशारा करते हुए कहा हाँ तुम्हारे जैसा कद है डील डोल है सूरत व शक्ल में तुमसे जरा भी मुख्तलिफ नहीं और वो तुम्हारी तरह गूंगा भी है वो मेरे बाजू को पकड़कर खुशी से झिझोड़ते हुए बोला मुझे उसके पास ले चलो अगर वो मुझे मिल गया तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा मैंने अपनी अटैचू उठाकर कहा मेरे साथ चलो अभी उससे मुलाकात हो जाएगी हम दोनों उधर जाने लगे जिधर रोमा गई थी उस वक्त चीतल सोच रहा था मालूम होता है मेरा भाई इंटेलिजेंस वालों की गिरफ्त में नहीं आया मैं ये सोचकर जंगलों में छुपा फिर रहा हूँ कि मैं अपने भाई का हम शक्ल हूँ कहीं पुलिस वाले मुझे भी पकड़ कर करना ले जाएं मगर यह शख्स कौन है मेरे भाई को कैसे जानता है उसने मुझसे सवाल किया तुम कौन हो और मेरे भाई को कैसे जानते हो मैं उसे समझाने लगा कि मैं एक मुजरिम हूँ और कानून की नज़रों से छुपता फिर रहा हूँ मैंने तुम्हारी हम शक्ल को अपने यहाँ पनाह दी है मेरे इस जवाब से वह मुतमईन हो गया कि मैं भी उसकी तरह मुजरमाना ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और एक मुजरिम होने के नाते उसे कानून के हवाले नहीं करूंगा बुलंदी पर चढ़ते वक्त मैंने देखा रोमा अपनी कार में बैठकर पिंडी की तरफ जा रही थी थोड़ी देर बाद हम सड़क पर पहुंच गए और मरी की तरफ जाने लगे रास्ते में मैंने शीतल से दिमागी राबता कायम किया इस वक्त वह फूफी वगैरह के साथ बैठा हुआ शाम की चाय पी रहा था मैंने उसकी सोच के मखसूस लहजे में उसे मुखातिब किया वह सोचने लगा मैं इस वक्त अपने दिमाग में अपने बॉस को महसूस कर रहा हूँ यकन ये मेरा बॉस है बॉस अगर तुम मुझसे मुखातिब हो तो यह मेरी खुशकिस्मती है कि इतने दिनों बाद तुमने मुझे याद रखा हाँ शीतल मैंने कहा इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुम कार में बैठकर फौरन पिंडी जाने वाले रास्ते पर चल पड़ो और अपने बाएं तरफ देखते चलो रास्ते में तुम्हारा भाई चीतल तुम्हें नजर आएगा इस वक्त वो एक अजनबी के साथ है अपने भाई का जिक्र सुनते ही वो खुश हो गया उसने फूफी से इजाजत ली कि वो कार लेकर जा रहा है अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा थोड़ी देर बाद वो कार में बैठकर हमारी तरफ आ रहा था रास्ते में उसने सोच के जरिए पूछा बॉस मेरे भाई चीतल के साथ वो अजनबी कौन है मैंने जवाब दिया वो अजनबी मैं हूँ मैंने मेकअप के जरिए अपना चेहरा और आंखें बदल ली हैं इस मेकअप में तुम मुझे पहचान नहीं सकोगे तुम यहाँ आ जाओ उसके बाद कहीं तनाई में जाकर अपना मेकअप उतार दूंगा मैं चीतल के साथ आगे बढ़ता रहा शीतल तेजी से कार में आ रहा था दस मिनट के बाद ही वो कार हमारे करीब आकर रुक गई चीतल को देखते ही खुशी से शीतल की बाहें खिल गई चीतल के चेहरे से भी खुशी का बेपना इजहार हो रहा था वो बिछड़े हुए भाई एक मुद्दत के बाद मिलकर बेहद खुश थे और मैं सोच रहा था खून का रिश्ता दुनिया का सबसे ताकतवर रिश्ता है जिसे कभी मौत नहीं आती मैंने इशारों में शीतल से कहा कि तुम दोनों पीछे बैठ जाओ गाड़ी मैं चलाऊंगा तुम दोनों एक अरसे से, एक दूसरे से बिछड़े हुए हो यकीन एक दूसरे से बातें करने और एक दूसरे के हालात जानने के लिए बेचैन हो गए गाड़ी चलाते हुए तुम इशारों में आसानी से शीतल के साथ बातें ना कर सकोगे मेरी बात समझ शीतल के चेहरे पर ममनूनीत का एहसास छा गया और वो शीतल का हाथ थामकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और एक्सेलटर पर पाओं का दबाव डालकर गाड़ी मरी जाने वाले रास्ते पर डाल दी गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ मैं चीतल और शीतल के जहनों में भी झांक रहा था दोनों इशारों में एक दूसरे की खैर आफियत पूछ रहे थे चीतल सोच रहा था खुदा का शुक्र है मेरा भाई इंटेलिजेंस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा वरना जिंदगी में इससे मुलाकात नामुमकिन होती चंद रस्मी बातें करने और एक दूसरे की खैरियत दरयाफ्त करने के बाद चीतल ने इशारे की जुबान में शीतल से पूछा ये अजनबी कौन है और आजकल तुम्हारा क्याम कहाँ है शीतल ने इशारे की ज़ुबान में उससे कहा यह मेरा बॉस है और इसके खानदान के साथ ही मैं रहता हूँ शीतल के मुंह से बॉस का नाम सुनकर चीतल चौंका और शिकायती नजरों से शीतल को देखते हुए इशारों में कहने लगा यह तुमने किसे अपना बॉस बना लिया है हमारा बॉस तो ब्लैक गाइड है नहीं अब मेरा बॉस ब्लैक गाइड नहीं बल्कि यह शख्स है जो कार चला रहा है और जिसके मुझ पर बड़े एहसानात हैं चीतल की सोच से पता चल रहा था कि उसे शीतल की बात कतई पसंद नहीं आई वो एक अरसे तक ब्लैक गाइड के लिए काम करता रहा था जो उन्हें खर्च के लिए बहुत माकूल रकम देता और उसी की वजह से वह अब तक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते आए थे उसके कृत चेहरे पर खफकी और नागवारी के एहसास उभर आए उसने झुंझलाकर इशारों में शीतल से पूछा आखिर ऐसी कौन सी वजूहत थी जिनकी बिना पर तुमने ब्लैक गाइड को छोड़कर इस शख्स को अपना बॉस बना लिया ये तो ब्लैक गाइड से सरासर बेवफाई है तुम पर इस शख्स के क्या एहसानात हैं मैं एक मुहिम में बहुत जख्मी हो गया था इतना कि मौत के भयानक पंजों में जाने वाला था ऐसे में इस शख्स ने मेरी जान बचाई मेरा इलाज किया और अपने यहाँ खुफिया तौर पर पनाह देकर मुझे इंटेलिजेंस वालों की गिरफ्त से भी बचाया जिस शख्स ने मेरी जान बचाई है उसके एहसानों का बदला मैं इस तरह चुका सकता हूँ कि उसके साथ रहकर उसके लिए काम करूँ चीतल के चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे मैं अकब नुमा आने में उन दोनों के चेहरे देख रहा था और साथ ही उनके जहनों में भी झांक रहा था चीतल इस बात पर बहुत बरहम था कि शीतल ने ब्लैक गार्ड का साथ क्यों छोड़ा उसने झुंझलाकर कर इशारों में पूछा यह शख्स आखिर है कौन ये भी हमारी तरह एक मुजरिम है और हम जैसे मुजरिमों को पनाह भी देता है जिससे कॉमों मुल्क को कोई ख़तरा ना हो मैं इसके यहाँ बड़े ऐशो आराम से रहता हूँ क्या ब्लैक गाइड हमें ऐशो आराम से नहीं रखता था जो तुम तो उसे छोड़कर इस शख्स के लिए काम करने लगे ब्लैक गाइड हमें थोड़े से काम के केवज़ में कितना भारी मुआवजा देता है यह शख्स ब्लैक गाइड से भी ज़्यादा भारी मुआवजा देता है और मुझे दोस्तों की तरह रखता है इसका रवैया मेरे साथ हाकिम नहीं बल्कि दोस्ताना है ब्लैक गाइड बेशक हमें दौलत देता था ऐश के साथ ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें फ्राहम करता था और हमें इसी चीज़ से गर्ज है यह नया बॉस भी मुझे वही कुछ देता है जिससे मैं बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ मुझे जहनी सुकून मैसर है जबकि ब्लैक गाइड के साथ काम करते हुए हरदम पकड़े जाने का खौफ तारी रहता साथ ही जान का ख़तरा भी रहता मेरी मानो तो तुम भी ब्लैक गाइड को छोड़कर इस नए बॉस के पास आ जाओ इस शख्स की मातहती में मुझे क्या फ़ायदा मिल जाएगा चीतल के चेहरे पर अब तक तो खफकी के आसार थे उसे अपने भाई का ये कदम कतई पसंद नहीं आया वही फ़ायदा जो हमें ब्लैक गाइड के मातियत रह कर काम करने में मिलता था बल्कि उससे भी ज़्यादा यह अपना बॉस बड़ा मनमोजी आदमी है इसके साथ रहकर हमें फ़ायदा ही फायदा है ब्लैक गाइड हमें पैसा ही देता था वो तुम्हें इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे दौलत के सिवा तहफ़ भी ये ब्लैक गाइड की तरह इतना कमीना नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए हमारी जाने भी दाव पर लगा दे मुझे इसका बहुत तलख तजुर्बा हो चुका है अगर मेरा बॉस मेरी जान ना बचाता तो आज तुम अपने भाई को जिंदा ना पाते जब तुम्हें सब कुछ इस बॉस के साथ काम करके मिल सकता है तो फिर तुम्हें उसके पास आने में क्या एतराज है शीतल की बातें सुनकर चीतल सोच में पड़ गया मैं गाड़ी चलाते हुए चीतल के जहन में झांकने लगा वो भाई की बातों से कायल हो गया था और इस पेशकश में उसे ज्यादा फायदे नजर आ रहे थे उसने अच्छी तरह इस पेशकश पर गौर करने के बाद इशारों में शीतल को अपनी रजामंदी दे दी दोनों के स्याह चेहरों पर आसुदा सी मुस्कुराहट फैल गई और मैं गुनगुनाने लगा दुनिया मतलब दियो यार कार तेजी से पिंडी की तरफ भागी जा रही थी और मैं सोच रहा था इन मजबूत दो पहाड़ों के ताउन से मैं बीलमुंडू से निमट सकता हूं लेकिन चीतल और शीतल को साथ लेकर बीलमुंडू से टकराने में यह खतरा था कि मास्टर यूशे बीलमुंडू की सोच के जरिए चीतल और शीतल के जहनों तक भी पहुंच जाता इसलिए कि किसी के जहन तक पहुंचने के लिए ज़ुबान और आंखें ही सबसे बड़ा वास्ता होती हैं इसके लिए मेरे जहन में फ़ौरन ही ये ख्याल आया कि मैं अपनी तरह चीतल और शीतल की आंखों में लेंस लगा दूँ आवाज के जरिए उन तक पहुंचना नामुमकिन था इसलिए कि दोनों ही गूंगे थे मेरी गाड़ी जिस वक्त मुकर्र मुकाम पर पहुंची तो शाम के सुरमई अंधेरे पहाड़ की चोटियों से नीचे उतर रहे थे अब कार को किसी महफूज जगह पर खड़ी करने का मसला था डाक बंगला बहुत नशे में था किसी गाड़ी का वहां जाना नामुमकिन था मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं उसी लम्हे मैंने देखा एक मुकामी देहाती पीठ पर लकड़ियां लादे इसी तरफ आ रहा था वो करीब आया तो मैंने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया वो मेरी आवाज सुनकर तेज तेज कदम उठाता कार के पास आ गया उसके सलाम का जवाब देते हुए मैंने पूछा बाबा कोई ऐसी महफूज जगह है जहां मैं अपनी कार खड़ी कर सकूं हाँ साहब है जरा आगे जाकर उल्टे हाथ को मुड़ जाइएगा थोड़ी दूर आपको एक गैराज नजर आएगा ये गैराज आप ही जैसे शहर को आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है उधर फिल्म के लोग भी आए हुए हैं उनकी गाड़ियां भी वही खड़ी हैं गैराज का चौकीदार सब गाड़ियों की देखभाल करता है मैंने जेब से दस रुपये का एक नोट निकाल कर दिहाती को दिया और उसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा चंद ही मिनट बाद गैराज नजर आ गया वहां और भी कई गाड़ियां खड़ी थी उनमें फिल्म यूनिट वालों की गाड़ी भी खड़ी थी जिसे देखकर मैं जान गया कि वो लोग शूटिंग से वापस आ गई हैं मैंने सोचा मौका मिलते ही मैं मेकअप मैन से आई लेंस की बात करूंगा चीतल और शीतल की आंखों के लिए दो जोड़े आई लेंस दरकार थे जिसके लिए मुझे यकीन था कि मेकअप मैन को भारी रकम अदा करके मिल जाएंगे मगर गाड़ी गैराज में खड़ी करके मैं चीतल और शीतल को हमरा लिए नशेब में जाने लगा तो बहुत दूर डाक बंगले के करीब मैंने देखा कि बूढ़ा प्रोड्यूसर मेकअप मैन को किसी बात पर डांट रहा है मैं ठिठक कर अपनी जगह खड़ा हो गया एकदम मुझे आई लैंस का ख्याल आया मैं हकीकत मालूम करने के लिए प्रोड्यूसर के जेहन में झांकने लगा मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ प्रोड्यूसर मेकअप मैन को डांटते हुए कह रहा था तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतना कीमती आई लैंस गायब हो गया मैं इसकी कीमत तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा यही तुम्हारी सजा है मेकअप मैन ने सर झुकाकर कहा आइंदा एहतियात रखूंगा साहब नहीं अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता अगर बकिया आइलैंड्स भी गायब हो गए तो हम शूटिंग किस तरह करेंगे लाओ आइलैंड्स का डिब्बा निकाल कर मुझे दो तुम जैसे गैर जिम्मेदार शख्स के पास इतनी कीमती और अहम चीज छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी है गदे कहीं के मेकअप मैन ने आइलैंड्स का डिब्बा अटैची से निकाल कर प्रोड्यूसर के हवाले कर दिया वो बकता झकता गालियां देता डाक बंगले के अंदर जाने लगा मैंने शेप की तरफ जाते हुए फिक्रमंदी से सोचने लगा कि आइलैंड्स मेरे लिए बहुत अहम चीज है उसके बगैर मैं चीतल और शीतल को लेकर बील मंडू के मुकाबले पर नहीं जा सकता इतना बड़ा ख़तरा मैं किसी सूरत में भी मोल लेने को तैयार ना था इसी मसले में उलझा मैं उस दरख्त के पास पहुंच गया जहां मैंने दोपहर को इतमान से बैठकर मेकअप किया था चीतल और शीतल वहीं करीबी पत्थरों पर बैठ गई और मैं मेकअप उतारने के साथ साथ ये भी सोचता रहा कि आई हासिल करने के लिए क्या तरकीब करनी चाहिए प्रोड्यूसर से उन्हें खरीदने की बात करना फजूल सी चीज़ थी उसकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसके लिए आई लेंस ज़रूरी आइटम में शामिल था मैं कितने ही भारी मुआवजे की पेशकश करता वो राजी न होता क्योंकि फिल्म बंदी के दौरान आई लैंड इस्तेमाल होते थे बगैर इसके शूटिंग नहीं हो सकती थी और ना ही वो बर वक्त दूसरे आई लैंड का इस्तेमाल कर सकता था इस पहलू पर अच्छी तरह गौर करने के बाद मैंने सोचा चीतल और शीतल की मदद से इन्हें चोरी कर लूँ गो कि एक गैर कानूनी फेल है मगर हालात कभी कभी इंसान को ऐसा काम करने पर मजबूर कर देती हैं जिसके लिए खुद उसका ज़मीर भी गवारा नहीं करता मगर मजबूरी थी चोरी का मनसूबा बनाने के बाद मैं इतमीन से बैठकर मेकअप उतारने लगा फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि शीतल पूपी जान से कह कर आया था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा ऐसी सूरत में पूपी जान बहुत परेशान होती मैंने पूपी जान के दिमाग पर दस्तक दी इस वक्त वो बावर्ची खाने में रात का खाना तैयार कर रही थी मेरी मखसूस दस्तक पर वह चौंक गई फिर खुश होकर कहने लगी फरहाद मेरे बेटे तुम हो हाँ फूफी जान आपका नालायक बेटा आपसे मुखातिब है आप लोग खैरियत से तो हैं ना अल्लाह का शुक्र है बेटे तुम तो ठीक हो आपकी दुआ है फूफी जान मैंने ये बताने के लिए आपसे राता कायम किया है कि शीतल मेरे पास है रात को मेरे साथ ही रहेगा मैंने सोचा आपको बता दूं वरना उसकी गैरहाज़िरी से आप परेशान होंगी ये तो अच्छा किया कि बता दिया मगर तुम हो कहाँ और शीतल को क्यों बुलाया है मैं आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं हूँ और शीतल को मैंने एक ज़रूरी काम से रोक लिया है तुम्हारे ये जरूरी काम तो एक दिन तुम्हें ले डूबेंगे किन बखेड़ों में पड़ गए हो बेटा मैं तो कहती हूँ सारे ऊट पटांग धंधे छोड़कर घर बसाने की फिक्र करो इतनी जल्दी क्या है फूफी जान मैंने उन्हें छेड़ा और वह भड़क उठी ए बेटा इसे तुम जल्दी कहते हो तुम्हारी उम्र के लड़के तो अब तीन तीन चार चार बच्चों के बाप हैं तुम भी अगर मेरे कहने से शादी कर लेते तो खैर से आज को दो बच्चों के बाप तो ज़रूर वो गुस्से से बुड़बुड़ाती रही और मैंने हंसते हुए उनसे राबता ख़त्म कर दिया मैं मेकअप उतार चुका था तमाम सामान मैंने अटैची में रखा और इशारे से शीतल और शीतल को करीब बुलाया शीतल मुझे असली रूप में देखकर मुस्कुरा दिया उसकी मुस्कुराहट का जवाब मैंने भी मुस्कुराहट से दिया फिर उन्हें इशारों की ज़ुबान में समझाने लगा कि एक आदमी के पास से आई लैंड चोरी करनी है वो आई लैंड उस आदमी के पास हैं जो मेरी तरह डाक बंगले में ठहरा हुआ है चोरी ढाई बजे रात को करना ताकि उस वक्त सब गहरी नींद सो रहे हों और अपने चेहरे पर रुमाल का नकाब डाल लेना उन्हें सारा मनसूबा अच्छी तरह समझाने के बाद मैं अटैची उठाकर उठ खड़ा हुआ चीतल और शीतल दोबारा अपनी जगह पर चले गई और मैं अपनी मादरी जुबान यानी इशारों में बातें करने लगा ये दुनिया की सबसे निराली मादरी जुबान है ये सोचकर मैं मुस्कुरा दिया और अटैची था मे वहां से चल पड़ा शाम का निखरा हुआ हुस्न चारों तरफ फैल रहा था मैं कदम रोक कर अपने इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजर को देखने लगा हर तरफ रनाई थी हुस्न था खामोशी थी निखार था और ऐसे समय दुनिया बेहद हसीन नजर आ रही थी ऊंचे ऊंचे बुलंदों बाला पहाड़ बड़े बड़े सब्ज पत्तों वाले तनावर दरख्त रंग बिरंगे जंगली फूल अपने अपने बसेरों की जानब परवास करते हुए पंख पखेरू ये सब बेहद सहरंगेज चीजें थीं जो दिल में तमानियत पैदा कर रही थी एक मुकद्दस खुशबू मेरे चारों तरफ फैली हुई थी और मैं जो हर वक्त हंगामों में घिरा रहता था देर तक एक जगह खड़ा फितरत की रानाई से लुत्फानदोज होता रहा अचानक ही मेरी नज़र शादा पर पड़ी जो अपनी चहेती भेड़ को पतली सी छड़ी से हांकती अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रही थी ना जाने किस जज्बे के तहत बेख्तियार होकर मैंने उसे आवाज़ दी शादा वो मेरी आवाज़ सुनकर चौंक कर पलटी और ऊंचे नीचे पत्थरों पर भागती आई और बेख्तियार मेरे को शादा सीने से लग गई मेरे दिल की धड़कने बेतरतीब सी हो गई रगों में दौड़ता खून तेजी से गर्दिश करने लगा शादा मैंने झुककर मध्यम सी सरगोशी की उसने मेरे सीने से सर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा वो मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए शिकवा करने लगी तुम कहाँ चले गए थे बाबू मैं तमाम दिन तुम्हें ढूंढती रही पर क्यों ढूंढ रही थी पता नहीं वो शर्मगी लहजे में बोली और खिलखिलाकर हंस पड़ी देर तक उसकी हंसी का जल तरंग पहाड़ों में गूंजता रहा शादा तू बड़ी अच्छी है मैंने कुमार आलूद लहजे में सरगोशी की वो धीरे से बोली ऐसा ना कर बाबू पता नहीं मुझे क्या होने लगता है क्या होने लगता है मैं शरारत से मुस्कुराया पता नहीं ये सब क्या तुझे अच्छा नहीं लगता ना वो हंसती हुई खुद को छुड़ा दूर जा खड़ी हुई उसका यह अंदाज कितना दिलकश था इस इनकार में करार के कितने पहलू रोशन थे मेरे दिल में शमे से जल उठी मैंने मुस्कुराकर कहा कल सुबह तकिए के नीचे रुपए देखने आएगी ना मेरी बात की तह तक पहुंचकर शर्म से उसके गुलाबी रुखसार तमतमा उठे ममू से कुछ न बोली अस्पात में सर हिलाकर हंसती हुई शर्मा कर भाग गई उसकी हंसी का तरन्नुम देर तक फिजा में गूंजता रहा और मैं खुशी के जज्बे से सर धीरे धीरे कदम उठाता डाक बंगले की तरफ जाने लगा मैं डाक बंगले में पहुंचा तो मेरे बिस्तर पर बूढ़ा मेकअप मैन पिछली रात की नींद पूरी कर रहा था मैंने अटैची मेज पर रख दी और ईजी चेयर पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा सिगरेट सुलगाने के बाद मैं रोमा के जहन में झांकने लगा वो होटल इंटरकॉन के उस कमरे में पहुंच गई थी जहाँ बिल मुंडू का क्याम था इस वक्त उसका अंकल कमरे में नहीं था और वह बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी उसने दो एक ऐसे फ़ोन नंबर पर उसे कॉल किया जहां उसके मिलने का इम्कान था लेकिन वो उन नंबरों पर भी नहीं मिला वह झुंझला कर इधर से उधर टहलने लगी वो अपने अंकल को यह बताने के लिए बेचैन थी कि उसका सामना एक के बजाय दो गंगों से हुआ था और उनमें से एक यकीनी तौर पर फरहाद था वो टहलने के दौरान सिगरेट के कश लगाती जा रही थी इसी वक्त मुझे उसके जहन में मास्टर यूशे की सोच का लहजा सुनाई दिया उसने रोमा के जहन में दस्तक देते हुए कहा हेलो बेबी मैंने तुम्हारी परेशानियों को समझ लिया है मुझे बताओ कि उन दो गूंगों से कहाँ मुलाकात हुई रोमा चंद लम्हे तक साकित खड़ी रही अपने जहन में उभरने वाली सोच को समझने की कोशिश करती रही फिर उसने पूछा क्या तुम वही शैतान हो जो मेरे अंकल को परेशान करता रहता है हाँ मैं वही हूँ मगर शैतान नहीं हूँ मुझे मास्टर कहो तुम जानती हो मास्टर आका को कहते हैं मैं आका हूँ और तुम सब मेरे गुलाम और कनीजें हो मेरे हुक्म से इनकार करने का नतीजा क्या होता है ये तुम देख चुकी हो मैं तुम्हारे अंकल की तरह तुम्हें भी जहनी अजियतों में मुबतला कर सकता हूँ तुम हसीन हो कमसिन हो तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता तुम एक अच्छी बच्ची की तरह मेरी बातों का जवाब देती रहो रोमा अपने अंकल को पागल होते देख चुकी थी और खुद पागल नहीं बनना चाहती थी वो खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गई और सोच के जरिए उसे बताने लगी कि किस तरह मरी से वापसी पर उसके दोनों बॉडीगार्ड आपस में लड़ पड़े एक बॉडी ने दूसरे को ख़त्म कर दिया फिर एक गूंगे ने वहाँ पहुँच दूसरे बॉडी को ख़त्म कर दिया इसके बाद फिर एक गूंगा कहीं से आ पहुंचा रोमा ने ख्याल जाहिर किया कि बाद में आने वाला गूंगा फ़रहाद होगा ये पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद मास्टर यूशे ने कहा बेबी तुम बहुत अच्छी हो इस वाक्य से मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई है कि फरहाद अली तुम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है वहीं उस पास के करीबी इलाके में कहीं छुपा हुआ है अब तुम आराम करो मैं तुम्हारे अंकल से रबता कायम करता हूँ मास्टर यूशे ने उससे राबता खत्म कर दिया लेकिन मैं उस शैतान की सोच से चिपका हुआ था अगर मैं उसकी सोच में मुदाखलत करता तो पकड़ा जाता लेकिन मैं उसके दिमाग के अंधेरे में चुपचाप खड़ा हुआ था इस अंधेरे में टेलीपैथी जाने वाला दूसरे टेलीपैथी जाने वाले को पकड़ नहीं सकता यही वजह है कि वह अब तक मेरी असलियत को नहीं समझ सका था मास्टर यूशे उस वक्त तक बिल मुंडू के जहन तक पहुँच चुका था और उसे तमाम वाक्यात बता रहा था कि किस तरह दो गूँगे रोमा के सामने आ चुकी हैं और उसके दो बॉडीगार्ड किसी वरानी में मुर्दा पड़े हैं ये सुनते ही बील मुंडू बुरी तरह झुंझला गया और मास्टर यूशे को बुरा भला कहने लगा कि उसकी वजह से उसके आदमी भी मारे जा रही हैं और उसके स्मगलिंग के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है मास्टर यूशे ने कहा यह सब मेरी वजह से नहीं हो रहा यह तुम्हारी नालायकी है फरहा तुम्हारे बिल्कुल करीब है और तुम उसे पकड़ने में नाकाम होते जा रहे हो अब तुम्हें मालूम हो चुका है कि रोमा को जहाँ दो गूंगे नजर आए थे वहां सिर्फ एक ही पहाड़ी रास्ता है उस रास्ते के अतराफ जितनी छोटी बड़ी आबादियां हैं वहाँ अपने तमाम आदमी फैला दो बोलती हुई आबादी में बेज़ुबान गूंगे जल्दी नजर आ जाएंगे तुम ख्वाम ख़वा झुंझलाहट में मुबला होकर वक्त ज़ाय ना करो इस मौका से फ़ायदा उठाओ तुम जल्दी उसके गिरबान तक पहुंच जाओगे बिल मुंडूस की हदायत के मुताबिक अपने मातहतों को कॉल करने लगा ताकि उनके साथ खुद भी मेरी तलाश में रवाना हो जाए मैं बदस्तूर मास्टर यूशी के जहन से चिपका हुआ था यह देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है वो मेरे ही मुतल सोच रहा था कि आखिर मैं किस किस्म का इंसान हूं और इंसान हूं या उसकी तरह शैतान हूं यकीन वो मुझे शैतान ही समझ रहा था जो कई दिन से उस नादीदा शैतान को चक्कर में डाले हुए था थोड़ी देर बाद मुझे उसके जहन में दूसरी आवाज़ सुनाई दी कोई शख्स उसके सामने आकर उसे मुखातिब कर रहा था मास्टर यूशे फरहाद का कुछ पता चला मैं आखिर कब तक इंतजार करता रहूंगा मास्टर यूशे का जवाब सुनाई दिया मास्टर दानियाल आप आज रात तक और सब्र कर लें मुझे यकीन है सुबह होने से पहले फरहाद की खोपड़ी मेरी गिरफ्त में आ जाएगी तुम रोज यही तसली देते हो मेरे दिन रात का सुकून बर्बाद हो चुका है मेरी जवान बेटी का कातिल आसानी से घूम रहा है तुम इस हकीकत का एतराफ़ क्यों नहीं करते कि एक मामूली कातिल के सामने तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें जंगालूद हो चुकी हैं मास्टर दान्याल इस दुनिया में जो सबसे बुलंद चीज़ है वो इंसानी दिमाग है और मैं ऐसा आदमी हूँ कि दुनिया के तमाम दिमागों से खिलौनों की तरह खेलता हूँ और जो दिमाग मुझे इतने दिनों से चक्कर दे रहा है उसे मामूली कहते हो तुम नहीं समझ सकते कि उस बहरूपिया फरहहा से उलझते हुए मुझे कितना मजा आ रहा है यह दुरुस्त है कि अभी उसका पल्ला भारी है मगर कब तक आज मैं बील मुंडू को आखिरी मौका दे रहा हूं अगर वो नाकाम हो गया तो मैं खुद मैदान अमल में आऊंगा मुझे हेडकॉर्टर छोड़कर कुछ दिनों के लिए उसके मुल्क में जाना होगा ये बात मेरी समझ में आ रही है कि वो मेरे किसी आलायकार कार के जरिए काबू नहीं आएगा उसने एंजला के बाप मास्टर दानियाल को मुतमीन कर दिया कि वो उसकी बेटी के कातिल को जरूर गिरफ्तार करेगा मेरे लिए एक मुसीबत की पेशगोई हो चुकी थी कि बीलमुंडू की नाकामी के बाद वो खुद मैदान अमल में आएगा यानी मेरी ये खुशफहमी खत्म हो चुकी थी कि उसके सबसे खतरनाक अलहकार बीलमुंडू को ख़त्म करने के बाद कुछ अर्सा के लिए पुरसकून जिंदगी नसीब होगी फिलहाल मुझे बीलमुंडू और उसके आदमियों से निमटना था वो मरी और पिंडी के दरमियान तमाम इलाकों में शिकारी कुत्तों की तरह मुझे सूंघते फिर रहे थे और आज रात या कल सुबह किसी वक्त भी वो यहाँ पहुंच सकते थे मुझे जल्द अज जल्द शीतल और चीतल को उनके मुकाबले के लिए तैयार करना था इस वक्त डाक बंगले में खासी चहल पहल थी फिल्म यूनिट के लोग रात का खाना खा रहे थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक कमरे में बैठे हुए शराब पी रहे थे उनके साथ हेरॉइन का नाम नेहाद भाई भी पीने में मसरूफ़ था मैं उनकी सोच के जरिए यह कोशिश करने लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें और नशे में बिल्कुल मदहोश हो जाएं। उस वक्त बूढ़ा चौकीदार मेरे लिए खाना ले आया मैं खाना खाने के दौरान सोचने लगा कि अब शादा से मुलाकात नहीं हो सकेगी मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसे छोड़कर चला जाऊं अभी जब वो मुझसे रुखसत होकर गई थी तो उसकी आंखों से प्यासी आर्जुओं के कितने रंग झलक रहे थे उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी मैं उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था उसे छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता था मैंने दिल को समझाया पहले काम फिर आराम बिलमुंडू से निमटने के बाद मैं फिर शादा से मिलूंगा मैंने खाना खाने के बाद बूढ़े चौकीदार से कहा बाबा मेरा कोई पता नहीं कि मैं किस वक्त यहां से चला जाऊं मैं फिर वापस आ सकता हूँ लेकिन यकीन से नहीं कह सकता कि वापसी कब तक होगी अगर जाने से पहले मैं तुम्हारे कुछ काम आना चाहूँ तो क्या तुम इनकार करोगे बाबू आपने यहाँ रहने और खाने के कितने पैसे दिए हैं कि आज तक किसी ने नहीं दिए आप इससे ज़्यादा और क्या काम आ सकती हैं मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका मैंने कहा तुम्हारी एक जवान बेटी है तुम्हें यकीन उसकी शादी की फिक्र होगी तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना दौलतमंद हूँ अगर मैं दो चार हज़ार तुम्हारी बेटी को शादी के लिए दे दूँ तब भी मेरे ख़जाने में एक पैसे की कमी नहीं आएगी ये कहकर मैंने अटैची खोली और उसमें से तीन हजार रुपये निकाल उसकी तरफ बढ़ा दिए इतने रुपए देखकर कर वो खुशी से कांपने लगा बाबा मैंने आज तक ऐसा एक आदमी भी नहीं देखा जो बगैर किसी गर्ज या मतलब के इतनी बड़ी रकम दे दे आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं उसकी ज़ुबान से ये बातें सुनकर मुझे नदामत सी महसूस हुई मैं उस बूढ़े को कैसे समझाता कि बगैर मतलब के इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता इस दुनिया में तरह तरह के इंसानों और रंगारंग जज्बों का मेला लगा हुआ है इस मेले में एक जवानी दूसरी जवानी से कैसे टकरा जाती है तहजीब के खिलाफ मुजोर जज्बे किस तरह बहा कर ले जाती हैं मैं इन बातों की तशरी नहीं कर सकता इंसान जिंदगी के रास्तों पर तमाम पाबंदियों को तोड़ता हुआ इस दुनिया से गुजर जाता है मैं भी अपनी जिंदगी के एक एक मोड़ से इसी तरह गुजरता जा रहा था बूढ़ा चौकीदार रुपये लेकर बहुत देर तक मुझे दुआई देता रहा इसके बाद चला गया मैं फिर एक सिगरेट सुलगाकर इजी चेयर पर बैठ गया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब फिल्म यूनिट के तमाम लोग सो जाते और आई लैंड हासिल करने के लिए मैं अपना काम दिखा सकता मैं आधी रात तक शीतल और चीतल का इंतज़ार नहीं कर सकता था मैंने घड़ी देखी उस वक्त रात के दस बज रहे थे कमरे के बाहर उभरने वाले कदमों की चाप से मैंने अंदाज़ा लगाया अभी कुछ लोग जाग रहे थे मुझे उनके सो जाने का इंतजार था मैंने वक्त गुजारी के लिए सिगरेट सुलगाया और इजी चेयर से टिककर आंखें बंद कर ली मैं शादा के मुतलक सोचने लगा मगर मैं कितना मजबूर था मैंने एक गहरी सांस ली और शादा के जहन में झांकने लगा वो मेरे ही मुतल सोच रही थी उसका बाबा खुशी से लरसती आवाज़ में उससे कह रहा था शादा बाबू बड़ा अच्छा आदमी है उसने मुझे ढेर सारे रुपए दिए हैं ताकि मैं खूब धूमधाम से तेरी शादी कर सकूं। वो रात को किसी वक्त चला जाएगा यह सुनकर शादा के दिल पर बिजली से गिर पड़ी उसका मासूम चेहरा यासियत की तारीखी में डूब गया उसका बाबा जाने क्या कुछ कहता रहा मगर उसने कुछ ना सुना वो अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर जाकर गिर गई उसका बाबा मेरे दिए हुए रुपयों को एक मैली सी थैली में रखकर उसे चोरी के खतरे से घास फूस की बनी छत में छुपा कर रख रहा था और शादा अपने बिस्तर पर लेटी बाजू में मुंह छुपाए से सक रही थी बाबा रुपये छुपा कर उसकी तरफ मोड़ा उसे बिस्तर पर लेटा देखकर कहने लगा शादा क्यों लेट गई रोटी नहीं खाएगी क्या शारदा की आंसू में भीगी आवाज सुनाई दी बाबा मेरा जी अच्छा नहीं शादी का सुनकर शर्मा गई बाबू ने इतने ढेर सारे रुपए दिए हैं मैं तेरी शादी इतनी धूम से करूंगा कि बस्ती में आज तक किसी लड़की की शादी इतनी धूम से ना हुई होगी मैं तेरी शादी में बाजे वालों को भी बुलवाऊंगा चुप कर जा बाबा मैं शादी नहीं करूंगी ये सुनकर उसका बाबा हंस पड़ा और उठकर उसके बिस्तर पर आ गया ये सब लड़कियां शर्मा कर यही कहती हैं पर बेटियां तो पराया धन होती हैं एक ना एक दिन उन्हें बाबल का द्वार छोड़ना ही पड़ता है बेटी किसी गरीब की हो या किसी राजा की सब एक दिन ब्याह कर प्राय देश चली जाती हैं शादा की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा पगली रो रही है अरे अभी से काहे का रोना धोना तेरा ब्याह कोई आज थोड़ा ही हो रहा है क्यों रो रो कर अपनी जान हलकान करती है चल सो जा उसने बिस्तर के किनारे पर रखा कंबल उठाकर उस पर डाल दिया और चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाने लगा शादा चुपके चुपके सिक रही थी उसका बाबा रोटी खाकर अपने बिस्तर पर लेट रहा शारदाँ अपनी सोच में मुझसे गिला कर रही थी बाबू तू भी सारे शहरी बाबुओं की तरह हर जाए निकला बस तेरे अंदर इतना ही हौसला था तुम शहरी लोग जब प्यार निभा नहीं सकते तो प्यार करते क्यों हो बाबू शादा तो तेरे प्यार में डूबकर इतना फासला तय कर गई है कि वापस लौटना उसके बस में नहीं रह गया मुझे बीच राह में छोड़कर ना जा बाबू मेरे प्यार की लाज रख ले मैंने तो अपना तन मन सब कुछ तुझ पर लुटा दिया है यह सब कुछ लुटा कर, अब मैं कैसे जीऊ बाबू वो रो रही थी और मेरा दिल मसला जा रहा था मेरे सीने पर भारी सी लागरी शादा से जुदाई का तस्वुर मेरे लिए भी बड़ा रूह वर्सा था काश हंगामे मुझे इतनी मोहलत दे देते कि मैं शादना को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता लेकिन अगर इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगें तो शिकवा गुजार क्यों कहलाए मैंने गहरी सांस लेकर घड़ी देखी बारह बजकर पच्चीस मिनट हो चुके थे ख्याल में खोकर मुझे एहसास ही ना हुआ कि कितना वक्त बीत गया अब मेरे काम का वक्त आ गया था मैंने एहतियात के तौर पर बूढ़े प्रोड्यूसर के जहन में झांका वो शराब के नशे में मस्त गहरी नींद सो रहा था मैंने इतमान का सांस लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर दबे कदमों प्रोड्यूसर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा दरवाजे के पट बंद थे मगर दरवाज़ा लॉक नहीं था मैं बहुत आहिस्तगी से अंदर चला गया कमरे में लालटेन रोशन थी उसकी हल्की सी रोशनी में मैंने कमरे का जायजा लिया कई बोतलें मेज़ पर खाली पड़ी थीं और प्रोड्यूसर के हल्के हल्के खराटे कमरे की खामोश फ़िज़ा में मध्यम सा अरताश पैदा कर रहे थे खराटों की आवाज़ ने मुझे मजीद मुतमिन कर दिया मैंने प्रोड्यूसर के कुर्ते की जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और कोने में रखी हुई अटैची खोलने लगा जरा ही देर बाद ताला खुल गया मैंने अटैची का ढकना उठाया और सामान में से आई लेंस का डब्बा ढूंढने लगा थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे डिब्बा मिल गया मैंने उसमें से आई लेंस के दो जोड़े निकाल कर अपनी जेब में रखे और डिब्बे को दोबारा अटैची में रखकर उसे लॉक कर दिया चाबी का गुच्छा वापस बूढ़े प्रोड्यूसर की जेब में रखा और आहिस्ता से जेब थपथपाता खामोश कदमों से अपने कमरे में आ गया कमरे में आकर मैंने आईलैंड एहतियात से अटैची में रखे मेज़ पर पड़ा सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया और अटैची लेकर कमरे से बाहर आ गया चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था वादी का हर बासी नींद के खुमार में डूबा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था मैंने डाक बंगले के अपने कमरे में रखी हुई लालटेन उठाई और नशेब में उतरने लगा उसी वक्त शादा मुझे शिद्दत से याद आ रही थी और मेरी ख्वाहिश थी कि जाते जाते उससे मिलता जाऊं चुनाची ये मालूम करने के लिए आया वो सो रही है या जाग रही है मैं उसके जहन में झांकने लगा और ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि वो खुद भी मुझसे मिलना चाहती थी और बाहर आने के लिए अपने बाबा से बहाना कर रही थी कि उसे नींद नहीं आ रही है वो अपनी सखी रेशमा के पास बातें करने जा रही है जल्दी लौट आने की ताकीद करके उसके बाबा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी वो झोंपड़ी से निकल डाक बंगले की तरफ आने लगी मेरे कदमों में तेजी आ गई वो इधर से आ रही थी मेरे हाथ में लालटेन थी जिसकी रोशनी देखकर कर वो ठिठक कर अपनी जगह खड़ी हो गई मैंने लालटेन ऊंची की और अपने चेहरे के करीब कर ली रोशनी में, में मेरा चेहरा उजागर हुआ तो वो मुझे पहचान कर दीवारावार भागती हुई आई और मुझसे लिपट गई सिस्कियां लेते हुए शिकवा करने लगी बाबू तू अपनी शादों को छोड़कर क्यों जा रहा है वो तेरे बिना मर जाएगी बाबू मुझे छोड़कर ना जा उसकी आवाज में सैकड़ों आंसुओं की नमी थी और उसका गुदास बदन हौले हौले कांप रहा था मैं उसे किसी अजीज की तरह अपने बाजू में संभाले एक बड़े से हरे भरे टीले की ओट में आ गया मैं सब्ज़े के फर्श पर बैठ रहा और उसका सर प्यार से अपने जानों पर रख लिया चांद की सुनहरी किरणों में मैंने उसके चेहरे को देखा जिस पर दुख की परछाइयाँ रक्स कर रही थी और आंसुओं की एक झालर सी दराज पलकों पर लर्ज रही थी इस एटमी दौर में इंसान के दिल से मोहब्बत खुलूस और सच्चाई की कदरें मिट गई हैं मगर ये मासूम सी देहाती लड़की का प्यार कितना बेगर्ज और पवित्र है यह सोचकर मुझे उस पर टूट कर प्यार आया आंसुओं की लड़ियाँ उसके रुखसारों पर बह रही थी मैंने इन आंसुओं को अपने होंटों में जज्ब करते हुए मध्यम सी सरगोशी की शादा नारो तेरा बाबू तेरे आंसू नहीं देख सकता उसने छलकती की आंखें उठाकर कांपती आवाज में कहा तू बड़ा जालिम है बाबू अपनी शादा को छोड़कर जा रहा है क्या करूं शादा मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुझे छोड़कर जाऊं मगर यहां मेरी जान को खतरा है अगर मैं यहां रहा तो शायद दुश्मन मुझे मार डाली क्या तू ये चाहेगी कि कोई तेरे बाबू को जान से मार दे उसने तड़प कर मेरे लबों पर अपना हाथ रख दिया शादा मेरा इंतजार करना मैं एक न एक दिन जरूर लौट आऊंगा और शादा अगर मेरे आने में बहुत देर हो जाए और तेरा कोई अच्छा रिश्ता है तो तू शादी कर देना मैं जिंदगी भर तेरा इंतज़ार करूंगी बाबू नहीं शादा ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे इंतज़ार की भीड़ चढ़ा दिया जाए मैं ना जाने कब लौट कर आऊं कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जवानी इंतज़ार की नज़र हो जाए सिर्फ तू ही मुझे नहीं चाहती शादा मैं भी तुझसे मोहब्बत करने लगा हूं मोहब्बत जो अजली और अबदी जज्बा है जो पहली और आखिरी सच्चाई है मैं इसी जज्बे की कसम खाकर कहता हूँ कि जिंदगी रही तो कभी ना कभी जरूर लौट कर तेरे पास आऊंगा उसे तसली देते हुए मुझे अपने लहजे के खोखलेपन का शदीद एहसास हुआ एक तरफ जिंदगी और उसके फितरी तकाज़ों से भरपूर हसास दिल था और दूसरी तरफ हंगामे और ख़तरात थे जो इजाजत ना देते थे कि मैं इन फितरी तकाज़ों को पूरा कर सकूं। उस वक्त मुझे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ मेरा दिल चाह सारे हंगामे सारे खतरात दूर भाग जाएं, और मैं शादा की रेशमी जुल्फों की छाव में जिंदगी बिता दू मगर हकीकतें मुंह पहाड़े मुझे निकलने को तैयार बैठी थी बाबू मैं तुझे बहुत याद करूंगी उसकी आवाज बहुत मध्यम थी और इस आवाज में अजीब सी उदासी दुख और इस तरफ छुपा था मैं भी जहां रहूंगा तुझे याद करता रहूंगा शादा वक्त बहुत थोड़ा है आओ इन लम्हात को अमर बना ले कुछ देर बाद मैं अटैची और लालटेन उठाकर उठ खड़ा हुआ और उसी दरख्त की तरफ चल पड़ा जहां कल मैंने अपना मेकअप किया था और फिर उतारा वहां पहुंचकर मैंने शीतल और चीतल को कॉल किया चंद लम्हे बाद वो मेरे सामने थे मैंने उन्हें इशारों में समझाया कि मैं आई लेंस ले आया हूं और इसे तुम दोनों की आंखों में लगाना है मेरा मतलब समझकर दोनों मेरे सामने बैठ गए मैंने अटैची खोली उसमें से आईलेंस निकाला और जरा सी कोशिश के बाद इन दोनों की आंखों में बड़ी महारत से आई लेंस फिट कर दिए इस काम से फारिग होकर मैंने लालटेन की रोशनी में अपना मेकअप करना शुरू किया पहले चेहरे पर मास्क चढ़ाया फिर बूढ़े मेकअप मैन की दी हुई मेकअप की चीज़ें लगाईं और अपनी आंखों पर भी आईलैंस लगा लिए अब मेरा बाप भी मुझे देखता तो ना पहचान पाता शीतल और चीतल ये सारी कारगुजारियां देख देख कर मुस्कुरा रहे थे मैंने एक बार फिर तनकीदी नज़रों से आईने में अपना जायज़ा लिया और मुतमिन होकर तमाम चीज़ें दोबारा अटैची में रखकर ताला लगाया और अटैची शीतल को पकड़ा कर उठ खड़ा हुआ लालटेन की मध्यम सी रोशनी में हम तीनों बहुत संभल संभल कर कदम उठा रहे थे हमारी जरा सी गलती हमें हज़ारों फुट गहरी खाई में धकेल सकती थी मैंने लालटेन डाक बंगले के बरामदे में रखी और उस तरफ जाने लगा जहाँ कार खड़ी थी कुछ दूर जाकर झाड़ियों के पीछे से मुझे कुछ दबी दबी सी आवाजें आईं मगर अल्फाज समझ में न आए क्योंकि झाड़ियाँ खासे फासले पर थीं मुझे खतरे का एहसास हुआ और ये मालूम करने के लिए कि यह कौन लोग हैं मैंने शुबा के तौर पर दुश्मन के जहन में झांका मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया वहाँ बिलमुंडू और उसके मातेहद थे बिल मुंडू की सोच से पता चला कि उसे मेरे यहाँ होने का किसी हद तक पता चल गया है और वो अपने मातेहतों को लेकर मेरी तलाश में यहाँ पहुंचा है एक लम्हे की देर के बगैर मैं चीतल और शीतल के साथ एक टीले के पीछे आ गया वहाँ चांदनी में हम एक दूसरे को देख सकते थे मैं हाथ के इशारों से उन दोनों को समझाने लगा कि हमें वहाँ से मुंतशिर होकर किस तरह फरदन फरदन दुश्मनों से निमटना है इसके बाद एक ऐसे शख्स को घेरना है जिसका सर मुंडा हुआ है उस सर मुंडे ने उनकी तरह मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है लिहाजा उसे मुहतात होकर मुकाबला करना होगा तमाम बातें समझा कर मैं उनसे अलग हो गया और टीले के पीछे से घुटनों के बल चलता हुआ उधर जाने लगा जिधर बील मुंडू की सोच मेरी रहनुमाई कर रही थी रात की अंधी आगोश में बड़ी देर तक रार खामोशी छाई रही फिर अचानक ही फायर की आवाज़ गूंजी ये सोचकर मेरा दिल धक्क से रह गया कि कहीं शीतल या शीतल फायरिंग की जदमी ना गए हों मैंने फ़ौरन ही उनके जहन में बारी बारी झांक कर देखा दोनों बखैरियत थे और अपनी अपनी जगह साबित कदमी से दुश्मनों का कबाड़ा कर रहे थे फिर दूसरी बार फायरिंग की आवाज़ आई इसके साथ ही कोई बुलंदी से चीखता हुआ नशेब की तरफ लुढ़कता हुआ मेरे करीब से गुजर कर दूर पस्ती में चला गया बहुत देर तक मेरे दिल में यह हसरत ही रह गई कि कोई मुझसे भी आ टकराता मगर दोनों गूंगे भाइयों ने किसी को मेरे करीब आने का मौका नहीं दिया वो नागहानी मुसीबतों की तरह उनके सरों पर पहुंचते थे जूडो और कराटे का हाथ दिखाते फिर दूसरे शिकार की तलाश में दूसरी तरफ पलट जाते तकरीबन आध घंटे बाद फिर गहरी खामोशी और सन्नाटा छा गया मैं बील मुंडू को उसके दिमाग से समझ रहा था कि इस वक्त वो कहा है वह नशे में खड़ा हुआ अपने मातिहतों को तलाश करता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ जा रहा था शीतल और चीतल शिकारी कुत्तों की तरह अपने शिकार को सूंघ लेते थे वो दो मुखालिफ सिमतों से छुपते छुपाते उसकी तरफ बढ़ रहे थे मैं भी उधर ही जाने लगा बेल मुंडू एक मुकाम पर पहुंचकर छिठक गया उसके सामने चंद कदम के फासले पर अचानक ही शीतल आकर खड़ा हो गया उसने दोनों हाथों से कराटे के मुख्तिस पेश करते हुए मुंह से करख्त आवाज निकाली ऊँ आ बिलमुंडू ने फौरन ही पैंतरा बदलते हुए सोचा अच्छा तो यही फरहाद है मेरे सामने गूंगा बनकर आया है मास्टर यूशे की सोच ने उसे हुक्म दिया फौरन टॉर्च रोशन करो और इसकी आंखों में देखो मैं अभी इसके जेन को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा बिलमुंडू टॉर्च निकालने के लिए अपना हाथ जेब की तरफ ले गया उसी वक्त पीछे से चीतल की गूंगी ललकार सुनाई दी वो भी हाथों से कराटे के जाविये बनाते हुए मुंह से आवाज़ निकाल रहा था ने तेजी से पलट कर सोचा अरे ये दूसरा गूंगा है इन दोनों में से फरहाद कौन हो सकता है मास्टर यूशे की सोच ने कहा तुम सोचने में वक्त ना करो फौरन टॉर्च रोशन करो मैं फरहाद तक पहुंच जाऊंगा उसने जेब से टॉर्च निकाल ली इतने में मैं टीले पर से कूद कर धप से उसके सामने पहुंच गया फिर मैंने भी अपने दोनों हाथ कराटे के जाविये बनाते हुए गूंगी आवाज में कहा आऊ तीसरा गूंगा मास्टर यूशे चंद सात के लिए चक्रा गया ये इतने सारे गूंगे कहाँ से पैदा होते जा रहे हैं बील मुंडो भी चकराने के अंदाज में चारों तरफ घूम रहा था और बारी बारी तीनों गूंगों की आंखों पर टॉर्च की रोशनी फेंक रहा था तीनों की आंखें स्पाट थीं आईलैंड का पर्दा पड़ा हुआ था इन आंखों से सिर्फ टॉर्च की रोशनी मुनकस हो रही थी और मास्टर यूशे की टेलीपैथी की सलाहियतें एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे गूंगे की तरफ बढ़ रही थी मैंने दिल ही दिल में कहा मास्टर यूशे नादीदा शैतान संभाल अपने सबसे खतरनाक शिकार को अब फरहाद की बारी है बिलमुंडू मुंडू कर बारी बारी तीनों की आंखों पर टॉर्च की रोशनी फेंकने लगा टॉर्च की रोशनी की जद में आकर तीनों की आंखें जंगली बिल्लों की आंखों की तरह चमकती थी मास्टर यूशे बिल मुंडू की आंखों के जरिए हम तीनों गूंगों की आंखों और मिजाज को समझना चाहता था मगर हमारी आंखें पॉलिश किए हुए प्लास्टिक के लेंस की थी हम इस पर्दे के पीछे से सारी दुनिया को देख सकते थे मगर कोई दूसरा हमारी आंखों के इस पार नहीं झांक सकता था और ना ही हमारी आंखों के बदलते हुए मजाज को समझ सकता था क्योंकि वो आइलैंड्स हर जज्बे से खाली थे कुछ देर तक टॉर्च की रोशनी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे गूंगे तक चकराती रही साथ ही मास्टर यूशे की सोच भी चकराती रही उससे जहां दीदा शैतान को जमाने भर का तजुर्बा था उसने फ़ौरन ही समझ लिया कि हम तीनों गूंगे आई के पर्दों में छुपे हुए हैं वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एहतियाती तदाबीर के लिए और मास्टर ऑफ टेलीपैथी की शैतानी चालों से बचने के लिए मेरा जहन इतनी दूर तक सोचेगा और मैं उसकी सोच की लहरों को हमारे दिमाग तक पहुंचने से पहले ही आईलैंड की दीवारों से रोक दूंगा मेरी जहानत से मुतासर होकर बेख्तियार उसकी सोच ने कहा ब्रावो फरहाद मैं तुम्हारे जैसे चालाक शैतान की कदर करता हूँ काश के एक बार तुमसे रहा कायम हो जाता तुम्हें तो पूरी दयानतदारी से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता देखो बिलमुंडू जहानत इसे कहते हैं तुम अपने फाइटर नौजवानों की फौज लेकर आए थे और तनहा रह गए हो और जिस अंदाज से तुम्हें घेरा गया है उस मंसूबे के पीछे किसका जहन काम कर रहा है ये सोचो और कायल हो जाओ कि जहानत के आगे जिसमानी क़ुत कोई अहमियत नहीं रखती इस वक्त मैं अगर किसी एक गूंगे के जहन में भी झांक सकता तो उसके जरिए बाकी दोनों गूंगों को कंट्रोल कर लेता मगर फरहाद ने मुझे बेबस कर दिया है अब तुम मुझसे किसी किस्म की तवक्को रखे बगैर इनसे निमट सकते हो या फिर अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकते हो बेलमुंडू ने झिल्लाकर कहा मैं बुजदिल नहीं हूं मैं इन तीनों घूगो की हड्डियों का सुरमा बनाकर रख दूंगा यह कहते ही वो अचानक उछल कर फिजा में बुलंद हुआ फिर फ्लाइंग किक के लिए उसकी लात शीतल के सीने की तरफ आई शीतल भी लड़ने के लिए आया था सोने के लिए नहीं कि गफलत में मारा जाता वह फौरन ही उछल एक तरफ हो गया बेलमुंडू फिजा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा पथरीली जमीन पर गिरने के बाद यकीन उसे चोटें आई होंगी मगर वह फौलादी इंसान फौरन ही उठकर खड़ा हो गया और पलट कर सीधा शीतल की तरफ आया फिर उसने कराटे के लिए पैंतरा बदलते हुए उस पर हमला किया बड़ा जबरदस्त हमला था शीतल दोनों हाथों से उसे रोक रहा था मगर एक करारा हाथ उसके मुंह पर पड़ ही गया शीतल मार खाकर यूं झुका जैसे गिरने ही वाला हो मगर उसने झुकते ही बिल मुंडू के सीने पर एक तिरछी हथेली जमाई वो घुर्राता हुआ पीछे चला गया इसके साथ ही शीतल ने घुम घूम कर उसे दो लातें जमाई वो एकदम से पलटकर मेरी तरफ आया वो लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया था मैंने समझा कि वो मार खाकर डगमगा रहा है मगर अचानक ही उसके कराटे का जबरदस्त हाथ मेरे शाने पर पड़ा इससे पहले कि मैं संभलता उसका दूसरा हाथ मेरे मुंह पर पड़ा इससे यह तजुर्बा तो हुआ कि आइलैंड्स के पीछे भी रंग बिरंगे सितारे नाचने लगते हैं और यह सबक भी हासिल हुआ कि बील मुंडू शीतल से भी जितनी मार खा चुका था ऐसी मार और ऐसी चोटें मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती वो जबरदस्त चोटें खाने के बावजूद फिर दोनों पाँव पर खड़े होकर मुकाबले के लिए डट गया अपने बॉस पर हमला होते देखकर शीतल और चीतल ने एक साथ बील मुंडो पर छलांग लगाई फिर उसे लातों राड़ी तिरछी हथेलियों पर रखते हुए मुझसे दूर ले गई उसे दूर ले जाकर चीतल अलग हो गया क्योंकि वह तीनों ब्लैक बेल्टर थे और एक अकेले पर वह दोनों मिलकर हमला नहीं करना चाहते थे ये असूल के खिलाफ था लिहाजा असूल के मुताबिक शीतल उससे तनहा लड़ने लगा शीतल के मुतल मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि वह कैसा फौलादी इंसान था मगर पहली बार इस फौलाद से फौलाद टकराया था दोनों हत्ों की ऐसी दिल हिला देने वाली लड़ाई मैंने पहली बार देखी वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे और मार खा रहे थे ज़ख्मी हो रहे थे लेकिन फिर भी साबित कदमी से मैदान में डटे हुए थे मेरे दिल में अंदेशा पैदा हुआ कि अगर लड़ाई थोड़ी देर और जारी रही तो शीतल गिर पड़ेगा मैंने फौरन ही शीतल के जहन में झांक कर देखा कि उसकी कुवत इरादी का क्या हाल है उसके दिमाग में जिद और झुंझलाहट की आंधी सी चल रही थी वो उस वक्त तक ज़मीन पर गिरना अपनी तोहन समझता था जब तक कि वो मर ना जाए इसके बाद मैंने बीलमुंडू के जहन में झांक कर देखा उसका भी यही हाल था उसने भी जिद कर ली थी कि अपने मुकाबिल आने वाले गूंगे को मार डालेगा या खुद मर जाएगा मगर मैदान नहीं छोड़ेगा उसकी जिद के बावजूद मास्टर यूशे उसकी सोच में बराबर कह रहा था बीलमुंडू मेरी बात मानो लड़ाई खत्म करो मसले हद से काम लो तुम अपनी जिद और गुस्से में यह बात भूल रहे हो कि अब यह की गूंगे से लड़ने के दौरान तुम अंदर से टूट रहे हो बज़ाहिर साबित कदमी से जमे हुए हो तुम्हारी सोच बता रही है कि वो तीनों दयानत से लड़ने के असूलों पर अमल कर रही हैं और बक वक्त तुम पर हमला नहीं कर रहे क्या इससे साबित नहीं होता कि वो तीनों ब्लैक बेल्टर हैं नहीं तीनों नहीं उनमें से एक गंगा जो तुमसे मार खा गया वो तुम्हारी सोच के मुताबिक मार खाकर चकरा गया था तुम पर पलट कर हमला नहीं कर सका मार्शल आर्ट से वाकिफ होने वाले इतने सर्द नहीं होते कि पलट कर हमला न करें मेरा ख्याल है कि वही फरहाद है और उसने तुम्हारे मुकाबले के लिए दो मार्शल आर्ट जाने वालों को किराए पर हासिल किया है मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम सिर्फ उसी गूंगे पर हमला करो जिसके गूंगे वजूद के पीछे फरहाद छुपा हुआ है वो तुम्हारे दो चार जबरदस्त हमलों की ताब ना लाकर कराहेगा चीखेगा इस तरह उसकी जुबान खुलेगी और मैं उसके दिमाग तक पहुंच जाऊंगा मसलहत से काम लो लड़ाई के असूलों को बालाए ताक रखो गूंगे फ़रहाद पर हमला करो बील मुंडू लड़ते लड़ते शीतल से ज़रा दूर होकर चीखने लगा शैतान की औलाद मैं बुजदिल और बेईमान नहीं हूं मैं भी असूलों के मुताबिक लड़ूंगा ये तीनों मेरे दुश्मन हैं मगर मैं इनकी कदर करता हूँ कि यह असूलों पर चल रही हैं मैं भी आखिरी दम तक कायदे और कवानीन के मुताबिक इनसे लड़ूंगा मास्टर यूषे झुंझला कर बील मुंडू को गालियां देने लगा सोच के जरिए रबता कायम करने के बायस जरा देर के लिए लड़ाई रुक गई थी उसे खामोश खड़े देखकर शीतल ने उस पर हमला करना चाहा मगर मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया क्योंकि मैं भी बील मुंडू की दयानतदारी की कदर करना चाहता था इसलिए उसे मास्टर यूषे से बातें करने और फिर अपने तौर पर फैसला करने की मोहलत दे रहा था अब मास्टर यूशे बिल मुंडू को धमकियां दे रहा था देखो बिल मुंडू मैं हुक्म दुली पसंद नहीं करता अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में हलचल मचाऊंगा और अभी तुम्हें पागल बना दूंगा बिल मुंडू ने कहा अगर तुमने मुझे पागल बना दिया तो मुझे इतमान रहेगा कि मैंने एक बुजदिल की तरह मैदान नहीं छोड़ा है तेरी शैतानी सलाहियतों ने मुझे मजबूर किया है मगर याद रख मेरे पागल बन जाने से तेरा भला नहीं होगा इन तीनों गूंगों में से जो भी फरहाद है वो हाथ से निकल जाएगा अगर तू मुझसे काम लेना चाहता है तो मुझे अपने तौर पर काम करने दे मुझे लड़ने का मौका दे मैं इन तीनों को बारी बारी मार गिराऊंगा उसकी जिद ने मास्टर यूशे को उलझा कर रख दिया वह हकीकता यह नहीं चाहता था कि वो बीलमुंडू को पागल बना दे और इस तरह मुझे निकल जाने का मौका दे उसने यही फैसला किया कि बीलमुंडू की बात मान ले। लेकिन इस तरह के एक गूंगे को शिकस्त देने के बाद कहीं वो दूसरे गूंगे से शिकस्त ना खा जाए इस बात के पेश नजर उसने बीलमुंडू को मशवरा दिया अच्छी बात है मैं तुम्हें लड़ने का मौका देता हूँ लेकिन इससे पहले तुम इन तीनों घूंगों से लड़ने के ऐसे औकात मुकर करो कि तुम्हें अच्छी तरह सस्ताने और आराम करने का मौका मिल जाए एक ही रात में तीनों से के बाद दिगरे लड़ना दानिशमंदी नहीं तुम्हारे बदन की जो टूट फूट होगी उसका इलाज भी लाजमी है लिहाजा कल से काम लो और इनसे बारी बारी मुकाबले के लिए एक प्रोग्राम मुरतब कर दो इस तरह वो दयानतदारी से लड़ने वाले उस प्रोग्राम के मुताबिक तुमसे लड़ते रहेंगे दूसरे लफ्जों में इन घूगों के पीछे छुपा हुआ फरहाद तुम्हारी नज़रों के सामने आता रहेगा अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मेरी अक्ल को भी इस्तेमाल करो और फ़ौर उनके सामने अपना प्रोग्राम पेश करो उसकी हदायत के मुताबिक बिल मुंडू ने दोनों हाथ उठाकर हम तीनों गूँगों को मुखातिब किया और इशारों की जुबान से कहने लगा कि वह हम तीनों से लड़ने के लिए कई दिन का वक्फा रखना चाहता है उसके इशाराती ज़ुबान को समझ कर शीतल और चीतल मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे मैंने हाथ के इशारों से उन्हें समझाया कि वह उसकी बात मंजूर कर लें फिर मैंने बिल मुंडू से गूंगे इशारों में कहा कि आज अगर वो शीतल से लड़ने के बाद जिंदा बचा तो एक हफ्ते बाद दूसरा गूंगा उसका मुकाबला करेगा अगर उसकी तकदीर मेहरबान रही और वह जिंदा बच गया तो फिर एक हफ्ते बाद इसी जगह तीसरे गूंगे से मुकाबला होगा यह फैसला सुनते ही शीतल और चीतल आपस में बहस करने लगे चीतल जिद कर रहा था कि पहले वो मुकाबला करेगा और शीतल उसे समझा रहा था कि मुकाबला शुरू हो चुका है वह बहुत देर तक इस मुंडे हुए सर वाले आदमी से लड़ता रहेगा लिहाजा अब उसे ही लड़ना चाहिए उसने गूंगे इशारों में चीतल से कहा अगर मैं इस मुकाबले में मारा गया तो तुम मेरे बॉस से वफादारी निभाना और कभी अपने से पहले बॉस को लड़ने का मौका ना देना यह सर मुंडा बहुत ही खतरनाक है और हमारा बॉस मार्शल आर्ट से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं चीतल ने इनकार में सर हिलाकर शीतल को समझाया मैंने आज ही तुम्हारे बॉस का वफादार रहने का इरादा किया है सिर्फ इरादा किया है कसम नहीं खाई है तुम मेरे भाई हो तुम्हारी सलामती के लिए मैं जिस जज्बे से इस दुश्मन का मुकाबला करूंगा जज्बे की वो शिद्दत तुम्हारे बॉस के लिए नहीं होगी बेहतर है कि अपनी खातिर पहले मुझे लड़ने का मौका दो शीतल बुजदिल नहीं था कि अपनी खातिर पहले अपने भाई को लड़ने मरने का मौका देता लेकिन ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि शीतल को मेरे लिए उस वक्त तक टूट फूट से महफूज रहकर मुस्ताद रहना चाहिए मैं चीतल पर भरोसा नहीं कर सकता था लिहाजा मैंने फैसला सुनाया कि पहले चीतल लड़ेगा चूंकि अब तक बील मुंडू काफी हद तक जख्मी हो चुका था इसलिए आज ये लड़ाई मुलतवी की जाती है बीलमुंडू ने मेरे इस फैसले को तस्लीम कर दिया उसने इशारों में अपना प्रोग्राम बताया कि परसों रात वो इसी जगह आकर चीतल से मुकाबला करेगा इस सिलसिले में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए मुकाबले के वक्त इस जगह ना चीतल का कोई आदमी आएगा और ना ही मुंडू अपने साथ किसी को लाएगा हमने उसकी बात मान ली एक फैसले पर मुतफ़ होने के बाद बीलमुंडू वहाँ से जाने लगा मैं चुपचाप खड़ा उसके दिमाग में झाँक रहा था उस वक्त मास्टर यूशो से कह रहा था देखो बीलमुंडू अकल से काम लेने से कैसी बिगड़ी हुई बात बन जाती है अभी तुम काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हो अब दो दिनों तक तुम्हें ताज़ा दम होने का मौका मिल जाएगा फिर इन तीनों ने जो फैसला किया है उस फैसले के दौरान यह मालूम हो चुका है कि इनमें से दो गूंगे तीसरे गूंगे के मातेहत हैं और उसके हर फैसले को तस्लीम करती हैं क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि वही तीसरा गूंगा फरहाद है बील मुंडू की सोच ने कहा हाँ मैं भी यही समझ रहा हूँ वो गूंगा जो बातें कहता है दूसरे उन्हें बेचूं बेचूचर तस्लीम कर लेती हैं मैंने इस गूंगे को उसके चेहरे से अच्छी तरह पहचान लिया है और अब पहचाना या ना पहचाना कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक वो बहुत जल्द मेरे मुकाबले पर आएगा और बेमौत मारा जाएगा मास्टर यूशे ने कहा तुम फिर अहम बातें कर रहे हो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं फरहाद का जानी दुश्मन नहीं हूं फरहाद जैसे तराशीदा हीरे मिट्टी में रुलने के काबिल नहीं होते मैं इसे अपना एक बेहतरीन आलायकार बनाना चाहता हूं मेरी बात अच्छी तरह याद रखो जब इसे मुकाबले का वक्त आए तो इसे ज़्यादा नुकसान न पहुंचाना अपने दाव पेज से सिर्फ ये कोशिश करना कि वह बेनकाब हो जाए उसकी आंखों से लेंस का पर्दा हट जाए या किसी तरह उसकी जुबान खुल जाए बील मुंडू ने नागवारी से कहा तुम और फरहाद दोनों जहनों में जाओ मैं इसे जुबान खोलने पर मजबूर करूंगा जुबान खुलते वो तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगा इसके बाद तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे ना तुमने मुझसे वादा किया था हाँ मुझे अपना वादा याद है तुम्हारे जैसा जिद्दी और बदमिजाज शख्स मेरे काम नहीं आ सकता मुझे फरहाद चाहिए इसे हासिल करते ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा अच्छी बात है अगरचे शैतान मुजस्म फ्रेब होता है उसके वादे का यकीन करना नादानी मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं तुम्हारे वादे पर यकीन करूं। बेल मुंडू तुम हमेशा अपनी जीत का यकीन करते हो यह क्यों नहीं सोचते कि फरहाद बहुत चालाक है किसी मौका पर वो तुम्हें अपनी चालाकियों से जेर कर सकता है ऐसे वक्त भी तुम अपने असूलों के मुताबिक ज्यादानदारी से लड़ते रहे और मेरे बेईमान मशवरों को तस्लीम ना किया तो मैं अपने वादे से फिर जाऊँगा अगर ऐसी बात है तो अभी इस घूंगे से लड़ाई के दौरान तुमने मेरी दयानतदारी को क्यों तस्लीम किया तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने उनसे बारी बारी लड़ने का वक्त मुकर किया है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान पर कायम ना रहूं यह मैं उसी वक्त चाहूंगा जब तुम्हारी शिकस्त होती रहेगी हार जीत किसी की भी हो सकती है मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा मगर मुकाबला करने वालों को तुम्हारी तरह शैतान बनकर धोखा नहीं दूंगा धोखा तो तुम्हारा बाप भी देगा उस वक्त मैं मसलता खामोश रहा क्योंकि तुम तीन घूगों के दरमियान घिरे हुए थे अगर तुम इनमें से किसी के हाथों मर जाते तो फिर फरहाद मेरे हाथ ना आता मैं तुम्हें इतमान से समझाना चाहता था कि मेरे किसी हुक्म से इनकार करते वक्त कहीं सुकून से बैठ ठंडे दिमाग से सोचो कि मैं किस तरह तुम्हें जहनी अज़ाब में मुबतला कर सकता हूँ मैं ये मानता हूं कि तुम मेरे हाथों पागल हो जाना पसंद करोगे लेकिन लड़ने के असूलों को बदल कर बुजदली नहीं दिखाओगे हाँ यही बात है मैं असूलों के मुताबिक लड़ते लड़ते मर जाऊंगा या इन तीनों को मार डालूंगा या फिर तुम्हारे जैसे शैतान के हाथों पागल हो जाऊंगा इस तरह मेरी दलेरी और मर्दानगी पर हरफ नहीं आएगा मास्टर यूशे का कहका सुनाई दिया बेवकूफ तुम अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मरना पसंद करोगे तुम्हें अपने किसी नुकसान की परवाह नहीं है मगर तुम अपनी प्यारी प्यारी सी भतीजी रोमा को भूल जाते हो नहीं बेटे मैं तुम्हें पागल नहीं बनाऊंगा तुम्हें मरने का मौका भी नहीं दूंगा सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारी भतीजी को जहनी अजियतों में मुब्तला करता रहूंगा बील मुंडू एकदम दम छिल्ला गया और गुस्से से पेचताब खाते हुए उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा उसकी हर गाली पर मास्टर यूशे कह लगा रहा था फिर उस शैतान ने कह कहों के वक़े में कहा उल्लू के पट्ठे मेरे सामने ईमानदारी दिखा रहे हो वो शैतान फरहाद हाथों में आकर निकलता जा रहा है और तुम ऐसे गधे हो के अपने असूलों पर चलने के लिए उसे फिर निकल जाने का मौका देना चाहते हो मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूं जहां मुझे जिस मानी क़ुत को आज़माना होता है वहां मैं तुम जैसे कुत्तों को आगे बढ़ाता हूं जहां जहानत या मकारी का मौका आता है वहां मैं झूठ और फ़रेब से काम लेता हूं अभी मुझे तुम्हारी जिसमानी क़ुत की जरूरत नहीं तुम मार्शल आर्ट के जोम में इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हो कि तुम्हारे मुकाबले पर दो गूंगे ब्लैक बेल्टर हैं और तीसरा सबसे मक्कार फरहाद है ऐसी सूरत में मैं बेहतर समझता हूं कि फरहाद को किस तरह काबू मिलाना है लिहाजा मैं जो कहता हूं उस पर अमल करो या फिर होटल पहुंचकर रोमा के पागल होने का तमाशा देखो बीलमुंडू पहाड़ी रास्ते पर लड़खड़ा कर बैठ गया वह शीतल के हाथों इस हद तक जख्मी हो चुका था कि कोई दूसरा होता तो अपने पाँव पर खड़ा न रह सकता इस वक्त भी वह जख्मों से चूर होकर नहीं बैठा था बल्कि मास्टर यूशे दिमागी तौर पर उसे गहरे जख्म पहुंचा रहा था आदमी बदन की चोट तो सह लेता है दिमाग में होने वाली हल्की सी चुभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता सारी कुत इरादी खाक में मिलकर रह जाती है वह फौलादी इंसान था लेकिन उसके सीने में एक ऐसा दिल था जो अपनी बेटी जैसी भतीजी के लिए मोहब्बत से धड़कता रहता वह अपनी बोटियां नोच कर फेंक सकता था लेकिन रोमा पर किसी शैतान का सहाय भी पड़ते नहीं देख सकता था मोहब्बत के इन जज्बात से मजबूर होकर वह सोचने लगा मैं क्या करूं कैसे इस शैतान से अपना पीछा छुड़ाऊं मैं कभी ऐसा बेबस नहीं हुआ मगर अपनी रोमा के लिए सोचना पड़ता है कि हर इंसान को ज़िंदगी के लिए किसी न किसी मोड़ पर मोहब्बत के किसी रिश्ते से कमज़ोर हो जाना पड़ता है और यह कमज़ोरी सोचने का अंदाज़ बदल देती है अब मैं संजीदगी से सोच रहा हूं कि वो नादीदा शैतान मेरी सरकशी के बायस कैसे कैसे मुजालिम ढाएगा और मैं उसे तड़पने का तमाशा अपनी आंखों से नहीं देख सकता क्या मैं ईमानदारी से लड़ने वाले दुश्मनों से बेईमानी करूं? मैं खुद को नाकाबले शिकस्त समझता रहा क्या अब मैं बुजदली का मुजाहरा करूं मैं क्या करूं मुझे तो यह सब करना ही होगा मास्टर यूशे की सोच सुनाई दी हाँ तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा अच्छी तरह सोच कर देख लो तुम्हारे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं उसने गुस्से से पूछा शैतान के बच्चे बोल लो तुम क्या चाहते हो मैं खुद को और अपनी रोमा को तुम्हारे शैतानी पंजे से आजाद कराने के लिए तुम्हारी बात मान लूंगा बताओ मुझे क्या करना चाहिए मास्टर यूशे की सोच ने कहा परसों रात एक गूंगे से तुम्हारा मुकाबला होने वाला है उस वक्त तक तुम उनके दुश्मन हो मगर उस वक्त तक रोमा को फरहाद की दोस्त बन जाना चाहिए बीलमुंडू ने झुंझलाकर कहा क्या बकते हो मेरी रोमा उस मक्कार की दोस्त कैसे बनेगी बड़ी आसानी से तुम अब इन तीनों गूंगों से ज्यादा दूर नहीं गए हो अब जबकि तुम मेरे हुक्म पर अमल कर रहे हो तो तुम्हें इन गूंगों से दोस्ताना माहौल में बात करनी चाहिए दो पहलवान सिर्फ उखाड़े में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं उखाड़े के बाहर दोस्तों के अंदाज़ में मुलाकात करती हैं तुम वापस उनकी तरफ जाओ और जिस गूंगे पर फरहाद का शुबा है उससे दोबारा दोस्ताना अंदाज़ में मिलो और मालूम करो कि इन दिनों वो कहाँ रहता है उसकी रिहाइश गाह का इलम होने के बाद रोमा उसकी तरफ बढ़ेगी और अपना हुसन व शबाब का जाल बिछाएगी ये नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता वो पागलों की तरह चीखने लगा मास्टर यूशी ने कहका लगाते हुए कहा अभी तो मैंने पागल नहीं बनाया है और तुम पागलों की तरह चीखते जा रहे हो बील मुंडू ने उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा शैतान के नुतफे तूने कहा था कि तेरी भी एक बेटी है क्या तू ऐसे मकासद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर सकता है हाँ मैं शैतान जो ठहरा अपने मकासद के लिए सब कुछ कर सकता हूँ फिर ये कि जवानी के खेल में मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता तो फिर औरत का क्या बिगड़ जाता है तुम्हारी रोमा फरहाद से मिलने के बाद भी रोमा ही रहेगी एक शगुफ्ता फूल को एक बार सूंघने से उसकी खुशबू में कमी नहीं आ जाती वो जैसी है वैसी ही रहेगी और तुम चचा भतीजी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम दोनों को मुझसे जल्द ही निजात मिल जाएगी बिल बिलमुंड ने बड़ी बेबसी से शिकस्त शिक्ष अंदाज में कहा ए नादीदा शैतान आज मैं तुझसे हार गया मैं तेरे आगे सर झुकाता हूँ और तुझसे करता हूँ कि मेरी रोमा को अल्लाह कारना बना मैं नहीं चाहता कि मेरी हसीन भतीजी पर किसी एशियाई बाशिंदे का साया भी पड़े जिन्हें मैं हकीर समझता हूँ उनके आगे मैं अपनी रोमा को चारा बनाकर नहीं भेज सकता बिल बीलमुंडू की सोच पढ़कर मुझे गुस्सा आने लगा इस कम वक्त को मैं अब तक मजलूम समझ रहा था और इसे हमदर्दी करने का इरादा कर रहा था क्योंकि वो ना हक मास्टर यूशे की शैतानी चालों में आ गया था और नबिल शिकस्त होने के बावजूद दाम में आए हुए परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था मगर इसके ख्याल ने मुझे उससे बदजन कर दिया पता नहीं यह गोरी चमड़ी वाले किस फन में यह ज़िंदगी के किस शोबे में खुद को हमसे बढ़तर समझते हैं सिर्फ महदूद तालीम और महदूद जराये ने हमें किसी हद तक बाज़ मामल में इनका मोहताज बना दिया है वरना हमारे पास भी वही दिल और दिमाग है और हमारे अंदर ऐसी छुपी हुई सलाहितें हैं कि उन्हें उजागर करने का मौका मिल जाए तो झूठी बर्तरी पर नाज करने वाली कौमें हैरान रह जाए ऐसे वक्त बील मुंडू ये नहीं सोच रहा था कि उसी की तरह कोई गोरी चमड़ी वाला उसे किस तरह टेलीपैथी के जरिए अपना गुलाम बनाए हुए है लेकिन अपनों के हाथों जो जख्म मिलते हैं उन्हें ये लोग बड़ी खामोशी से छुपा लेती हैं बेबसी से अंदर ही अंदर तड़पते रहती हैं ऊपर से गुरूर से तने हुए सर को झुकने नहीं देते मैं भी ऐशाई बाशिंदा हूँ मैंने सोच लिया कि इसका गुरूर मेरे ही हाथों टूटेगा उस वक्त मास्टर मुंडू के दरमियान खामोशी छाई हुई थी मैं मास्टर यूशे के झांक रहा था वो सोच रहा था बील मुंडू एक पागल हाथी है जो अपने सामने वाली हर चीज से बगैर सोचे समझे टकरा जाता है इस पागल को बेहला फुसला काम निकालना चाहिए वरना फरहाद हाथ सा निकल जाएगा ये सब कुछ सोचकर उसने बीलमुंडू को मुखातिब किया सुनो तुम तो मेरे सामने जिद्दी और सरकश बनने की कोशिश करते हो इसलिए मैं भी तुम्हें परेशान करता हूँ वरना मैं तुम्हारी रोमा को अपनी बेटी की तरह चाहता हूँ तुम मेरी बात मानो और रोमा को फरहाद की तरफ बढ़ने का मौका दो जिस तरह मैं अपनी बेटी की हिफाजत करता हूं उसी तरह मैं फरहाद से रोमा की हिफाजत करता रहूँगा तुम इस हकीकत को अच्छी तरह समझते हो कि औरत की मर्जी के बगैर बड़े से बड़ा शाह भी उस पर हावी नहीं हो सकता तुम्हें सिर्फ इसी बात का अंदेशा होगा कि फरहाद कहीं अपनी चालाकियों से रोमा को अपनी तरफ मायल ना कर ले। लेकिन तुम ये भूल गए कि रोमा का दिमाग हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा मैं उसे जहाँ मोड़ूंगा वो उसी तरफ मुड़ेगी और इस बहरूपये की तरफ कभी मायल ना होगी मैं तुम्हारी शैतानी सलाहियतों को तस्लीम करता हूँ तुम चाहो तो यकीन रोमा को हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकती हो मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ अभी होटल पहुँच मैं रोमा को समझाऊंगा कि उसे किस तरह अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हुए फरहाद से दोस्ती करनी है लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि फरहाद जैसा चालाक आदमी हसीन लड़कियों को देखकर फिसल जाता होगा मास्टर यूशे ने जवाब दिया मैं एंजला की मौत से लेकर अब तक फरहाद के कैरेक्टर की स्टडी करता रहा हूँ मैंने एंजला के कत्ल की तफ्तीश करने वाले अफसरों के दिमागों को भी पढ़ा है जब वो एंजला के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो इस रिपोर्ट में एक जगह ये भी बयान किया गया था कि इससे ताल्लुक कायम करने के बाद उसे कत्ल किया गया है फिर जिस कोठी में आग लगी थी और फरहाद ने एक बच्चे की जान बचाई थी वहां जाकर तुमने फिरोज नामी एक नौजवान से मुलाकात की थी जब तुम फरहाद के होटल का पता मालूम करके रुख्सत हो गई तो मैंने फिरोज़ की सोच के जरिए फरहाद के मुतिक मजीद मालूम हासिल की उसकी सोच से पता चला कि फरहाद हैदराबाद के स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ वो इतना हैंडसम और स्मार्ट है कि फिरोज़ की एक माशू नरगिस उसके मर्दाना हुसन से सिहर ज़दा होकर उसके कैबन में रात गुजारने चली गई कैसे पता नहीं चलता कि वो लेडी किलर है और हसीन लड़कियों को देखकर खुद भी फिसल जाता है बेलमुंडू मैंने कहा ना कि तुम सिर्फ जिसमानी क़ुत पर नाज करते हो मगर हम दिमाग से इंसानों के अंदर घुस उसकी कमजोरियों का पता चलाते हैं तुम मेरी अकल के मुताबिक अमल करो मैं बहुत जल्द फरहाद तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा मैं अमल करूंगा तुम ये बताओ कि रोमा फरहाद की ज़ुबान कैसे खुलवा सकती है मास्टर यूशे ने जवाब दिया अब जबकि तुम और रोमा मेरे हर हुक्म की तामील करोगे तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा पेचीदा काम नहीं लूंगा मैं फरहाद से निमटने के लिए खुद वहां पहुंच रहा हूं और ये चाहता हूं कि मेरे पहुंचने तक रोमा उसे अपनी दोस्ती के बंधन में बांधे रखे वो भी मुतमिन रहे कि उसके गूंगे ब्लैक बेल्टर मुकर्रा औकात में तुमसे मुकाबला करते रहेंगे और एक दिन तुम्हारा खात्मा कर देंगे उसे इस खुश फहमी में मुबतला रहने दो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ उसकी बातें सुनकर बील मुंडू सी जगह वापस जाने लगा जहाँ कुछ देर पहले मुकाबला हुआ था मैंने शीतल और चीतल को इशारों में समझाया कि वह अब जाकर आराम करें मैं ज़रूरत के वक्त उनसे राबता कायम कर लूँगा मेरी हदायत के मुताबिक वो दोनों रुखसत हो गई बिल बिलमुंड मेरी तरफ आ रहा था मैं अटैचू उठाए उसकी तरफ बढ़ने लगा खामोशी से चलने के दौरान मैं मास्टर यूशे की सोच को पढ़ रहा था यह मालूम करना जरूरी था कि वो कब तक यहां पहुंच रहा है मैं चाहता तो एक बार फिर उसे दूर भाग सकता था मगर अब तक फरारियत हासिल करने का कोई खास नतीजा बरामद नहीं हुआ ना तो मास्टर यूशे से पीछा छूटा और ना ही बिल बिलमुंडू से माइक्रोफिल्म हासिल कर सका अगर शीतल से मुकाबले का कोई नतीजा निकलता और बील मुंडू मारा जाता तो मैं उसकी मसनू नाक उखाड़ कर माइक्रो हासिल कर लेता लेकिन मैंने यह सोचकर सब्र कर लिया कि आइंदा भी दयानत से मुकाबला होने वाला है और मुंडू हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगा मैं जब चाहूंगा उस फिल्म को हासिल कर लूंगा मगर अब दयानत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बील मुंडू अपनी भतीजी रोमा की खातिर बेईमानी के लिए आमादा हो गया था फिर मैं क्यों पीछे रहता अब मैंने फैसला कर लिया था कि जितने जल्द मुमकिन होगा मास्टर यूशे के यहां पहुंचने से पहले ही मैं वो माइक्रोफिल्म हासिल कर लूंगा इसके बाद मास्टर यूशे रह जाएगा उससे तो किसी सूरत से निमट नहीं होगा आखिर वो कब तक मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं आगे आगे भागता रहूंगा यही सोचकर मैं उस शैतान की सोच को पढ़ रहा था लेकिन वो शैतान विलमुंडू से सोचकर रब्ता ख़त्म करने के बाद किसी शख्स को वहां की मुकामी जुबान में मुखातिब कर रहा था मैं वो जुबान नहीं जानता था इसलिए उसके इरादे को ना समझ सका कि वो क्या करना चाहता है थोड़ी देर बाद वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा उसकी सोच से पता चला कि वो एयरपोर्ट इंक्वायरी के नंबर डायल कर रहा है और ये मालूम करना चाहता है कि पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट में उसे कोई सीट मिल सकती है या नहीं इंक्वायरी से पता चला कि परसों की फ़्लाइट में दो सीटें हैं उसने दोनों सीटें रिजर्व करवा ली रसीव रखने के बाद जब वो सोचने लगा तो मालूम हुआ कि किसी शख्स से मुकामी ज़ुबान में वो क्या कह रहा था क्योंकि अब वो अपनी मादरी जुबान अंग्रेज़ी में सोच रहा था उसे दूसरी सुबह एक अहम मीटिंग अटेंड करनी थी चार मास्टरों की तंजीम के असूलों के मुताबिक इस मीटिंग में बाकी तीन मास्टरों को यह बताना लाजमी था कि वह हेडक्वार्टर छोड़कर कहाँ जा रहा है और कब जा रहा है मीटिंग कल होने वाली थी लिहाजा मैंने मास्टर यूशे से दिमागी राबता खत्म कर दिया